quieran. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। आइए सर्वप्रथम आज की प्रथम पावन आरती की ओर चलते हैं और हम आमंत्रित करते हैं परम पूजनीय महाराज श्री राजहरीश्वर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि वो भी आए और आज की पावन आरती में शामिल हो। जय श्री राम। हरि ओम ज्वालामालिनी नमः, ओम ज्वालारत्नेश्वरी नमः। हरि ओम चंद्रमा प्रणसो जातक्षो सूर्यो बजायतो श्रोत्राद वायुष प्राण सुमखादग्नि रजायतो। आजति श्री रामायण जी की कीर्ति करनेत ललित सिया पी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुकिसन काद जैसे गरु सारद सुकिसन काद जैसे गरु सारद वरन पवन सुत कीरतनी की आरत श्री रामायण की गावत वेद पुराण दस छो शास्त्र सब ग्रंथन कौरस मुनि जन धन संतन कौर सर्वस मुनि जन धन संतन कौ सर्वस सार गंस सम्मत सभी की आरत श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट समभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग सुन करुण के आरत श्री रामायण जी कली मलि कली मलि सुभग सिंगार मुक्ति जुवती दलहन रोग भव मोरे अमेरी सात बात तुलसी आरत कीरत कले Thank you.
सन्ति व्यवस्थानि धर्माणि रुत्वान्य सन्नादेहनम् महिमानः सन्तसत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। जय श्री राम, जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की जय हो। सर्वप्रथम मैं परम पूजने महाराज श्री राज राजेश्वर जी महाराज जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो पावन मंच पर आए और आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, तो उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो पावन मंच पर आए और आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, उनसे निवेदन है। जय श्री राम। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। व्यासपीठ पर विराजमान पूजनीय वंदनीय जिनको पूरा विश्व जानते हैं, ऐसे पूज्य बागेश्वर सरकार धाम महाराज जी के चरणों में प्रणाम वंदन। उपस्थित इस प्रांगण में सनातन हिंदू मंदिर के प्रधान प्रेसिडेंट नरेंद्र भाई जी एवं इस मंदिर के ट्रस्टी महेंद्र भाई पटेल, आमंत्रित मेहमान जो यजमान बने हैं हमारे इस कथा के, एवं पांचों दिन जिन्होंने प्रसाद की सेवा दी है इसे हमारे साई विला के प्रेसिडेंट संदीप भाई रूपारेलिया एवं परिवार को एवं सभी गणों को मेरा धन्यवाद। आज हनुमान कथा का प्रथम दिन है और आप सब लोग जानते हैं, टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि पूज्य महाराज श्री कितने भारत में व्यस्त रहते हैं और अभी अभी इंदौर में कथा में 3.5 लाख व्यक्ति वहां उपस्थित थे। कथा के लिए एक पंडाल बनाया गया था वो कम पड़ा, दूसरा बनाया वो भी कम पड़ा, तीसरा बनाया वो भी कम पड़ा और पूरे भक्तगण बाहर थे। ऐसे विश्व वंदनीय हमारे बागेश्वर सरकार धाम यहां इस मंदिर में आए हैं, ये हमारा सबका सौभाग्य है।
आप पैसे से हीरो हीरोइन को ला सकते हैं इस देश में, मगर पैसे के माध्यम से संत को नहीं ला सकते। संत तो अपनी भावना से आते हैं, और कई बार लोग कहते हैं कि मैं भारत से आते हुए संत हूं, तो इंग्लैंड में पैसा बनाने के लिए आते हैं, कहते हैं ना, हमको क्या, ये तो अपने पैसे बनाकर लेके जाएंगे, हमको क्या। मगर मैं एक बात कह देता हूं, इस देश की हवा भी मुफ्त नहीं मिलती, इस देश का पानी भी मुफ्त नहीं मिलता। आप घर में बैठे रहो तो एक घंटे का एक पाउंड खर्चा लगता है, कुछ भी नहीं करो तो बिना मूल्य अपने आप में समय निकाल करके पैसे से नहीं, मगर उस परमेश्वर को आपके साथ जोड़ने की क्रिया। महाराज जी इसीलिए यहां आए, और लिखा है कवि ने सबसे ऊंची प्रेम सगाई, है ना। प्रेम सगाई का मतलब नहीं कि कोई लड़का लड़की से प्यार कर ले, प्रेम सगाई का मतलब ये नहीं है कि कोई अपने आप में प्यार है, मगर ये तो आध्यात्मिक प्यार के माध्यम से इस लंदन की धरा को पावन करने के लिए बागेश्वर धाम से बागेश्वर सरकार यहां आए। और ये सिर्फ कथा के लिए महाराज जी नहीं है, उनके पास देखा होगा, कई लोगों ने टीवी पे देखा है ना, हजारों लोग करोड़ों लोगों को उन्होंने अच्छे किए हैं, वो प्रमाण टीवी पे या सोशल मीडिया पे देख लेना। हनुमान जी की साधना आराधना करने कर वो तो करते ही है, उनकी गुरु की परंपरा है, वो साधना और सिद्धि मिली है, मगर शास्त्र में सत्संग के साथ उस साधना का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करते हैं। और इसीलिए मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, मगर महाराज जी को सुनेंगे हम, उसके बाद यहां महाराज जी के परिवार के अंग जो बागेश्वर धाम से, बागेश्वर का एक परिवार का अंग यहां हमारे एमएलए साहब चतुर्वेदी जी यहां पधारे हैं, तो आपका भी खूब खूब हमारे इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड के भक्तों के माध्यम से इस संस्था के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। और संस्कार टीवी के सीईओ हमारे मनोज भाई त्यागी जी, उनका भी मैं स्वागत और सम्मान करता हूं, क्योंकि वो नहीं होते तो हम महाराज जी को नहीं मिलते। और मेरे और महाराज जी के बीच में जो ब्रिज बना है, जो प्यार की एक दूरी का धागा जो मिला है, वो हमारे मनोज भाई त्यागी जी, तो खूब खूब धन्यवाद। और मैं वक्त नहीं लूंगा, मगर आपको एक चीज जरूर कहूंगा, ये वक्त है 5 दिन का, घर पे बैठोगे ना तो टीवी में दिखाई देगी कथा, सुनाई देगी कथा, मगर सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। तो आप जरूर जो जो मुझे सुन रहे हैं, आइए इस सनातन मंदिर वैमली में आप आइए, और आपका हम स्वागत करेंगे। जय हनुमान, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूजनीय महाराज जी के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और जैसा कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने, महाराज श्री ने आप सभी को बताया है कि महाराज श्री बागेश्वर धाम सिद्धिपीठ आश्रम जो इंडिया में मध्य प्रदेश में खजुराहो के पास विराजमान है, बागेश्वर धाम सरकार स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए थे, 3 पीढ़ियों से परम पूज्य गुरुदेव भगवान का दिव्य दरबार वहाँ पर लग रहा है। एक ऐसा इंडिया का एक बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम है जहाँ पर लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक ऐसा धाम है जहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान से मिलना फ्री ऑफ कॉस्ट है, रहना, अर्जी लगाना, टोकन नंबर लगाना पूर्णतः निःशुल्क है। एक ऐसा धाम है जहाँ पर लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा दिव्य दरबार भी लगाया जाता है, और हम आप सभी का परम सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव भगवान की पहली कथा, पहली यात्रा फॉरेन में और लंदन में हुई है। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ से गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। पूज्य गुरुदेव भगवान के अनेक अनेक संकल्प हैं, कार्यक्रम हैं और योजनाएं चल रही हैं। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, उनका ऐसा मानना है कि जो भी हिंदू परिवार है जो गौ माता की सेवा करता है, सेवा करे, जिससे कि जो इंडिया में गौ माता की दुर्दशा हो रही है तो कुछ तो उनसे बचेंगी और उनकी सेवा से हमें पुण्य लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह माँ अन्नपूर्णा रसोई महाप्रसाद भंडारा, निःशुल्क भोजनशाला, भोजन
भंडारा है जो आश्रम पर निरंतर चल रहा है। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर कन्या विवाह जो निर्धन बेसहारा जो गरीब जिनके माता पिता नहीं है परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में कन्या विवाह संपन्न किए जाते हैं। इसी तरह एक और गुरुकुलम संस्कृत विद्यालय जिसका निर्माण काल आश्रम पर प्रारंभ है और बहुत ही जल्द बागेश्वरम परिवार के सहयोग से गुरुकुलम स्थापना हो रही है। अनेक अनेक संकल्प हैं गुरुदेव भगवान के। आइए चलते हैं आज की प्रथम दिवस की श्रीमद् हनुमत कथा में। हम सभी 5 दिन तक हम सभी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हनुमत कथा का श्रवण करेंगे। 3 और 4 जून को सुबह 10 से 12 दिव्य बालाजी का दरबार। जो भी आपकी समस्याएं हैं समस्याओं के समाधान हेतु जो भी आपकी कष्ट बाधा है उसके निवारण हेतु हैरो में 22 पास्टन रोड हैरो HA3 7RR ये एड्रेस है जहां पर 3 और 4 जून को परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में सुबह 10 से 12 बजे तक दिव्य दरबार लगेगा। तो आइए चलते हैं आज के पावन कथा में गुरुदेव भगवान की अमृत वाणी से हम सभी श्रवण करेंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। जो भी इंडिया के भक्त हैं वो प्रतिदिन 4 बजे से पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा का श्रवण करेंगे संस्कार चैनल के माध्यम से और बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से। जय श्री राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यः नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं कारुण्य रूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं मनोजवं मारुते तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वातात्मजं वानरयु सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा।
लालो देह लाली नसे अरु धरी लाल लंगूर वज्र देह दान दलन जय 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जस जो देहीन तनु जान सुमरौ पवन वल बुद्धि विद्या देव अरहु कले अरहु कले वहां एक महापुरुष हुए जिनका नाम था पूज्य श्री मनमोहन दास बाबा। क्या नाम था? मनमोहन दास बाबा। उन्होंने इस संकीर्तन को गागा करके हनुमान जी को अपने बस में कर लिया। सुमरी पवन सुत पावन नाम अपने बस कर ही राखे राम। जिस प्रकार हनुमान जी ने पावन पवित्र नाम जप करके राम जी को बस में किया, ऐसे राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी के इस संकीर्तन से मनमोहन दास बाबा ने हनुमान जी को अपने बस में कर। हमने सुना है गुरुदेव के मुख से, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जब वो अपनी बहन के यहां रहते थे, उनकी बहन के पति का शरीर शांत हो गया था। पूज्य मनमोहन दास बाबा गांव के थे, एक छोटे से गांव के। जब वो खेत में हल चलाया करते थे तो हनुमान जी इतने बसीभूत थे, इतने प्रेमासक्त थे उनके संकीर्तन से कि हनुमान जी अपनी पूंछ से उनके सिर पर छाता लगा लेते ताकि इनको धूप ना लगे। इसने दोनों हाथ उठाइए ना, सीता राम हनुमान सीता राम। Oh,
भी उसका स्वर्ग में, देवता भी उसका स्वर्ग में अभिनंदन करते हैं, देवता भी उसका स्वर्ग में अभिनंदन करते हैं जो हर पल हमारे हनुमान जी का वंदन करते हैं। उसके भीतर के जितने पाप हैं वो भग जाते, लेकिन जो धीरे गाता है उसके भीतर घुस जाते। तो आप चाहते हो कि तुम्हारे अंदर पाप जाए? नहीं ना। एक एक एक, एक मुझे किसी महापुरुष की पंक्ति याद आ गई, कहो तो बोलूं। दुनिया ने बहुत कोशिश की, दुनिया ने अलाप बल, पूरी दुनिया ने बहुत कोशिश की मुझे रुलाने की, दुनिया ने बहुत कोशिश की मुझे रुलाने की, लेकिन मेरी जिम्मेवारी उठा रखी थी हनुमान जी ने हंसाने की। कथा में आने वाले सभी श्रोताओं की, ना आने वालों की भी, लंदन वालों की भी, नमः पार्वती पतये हर हर।
परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोच शूर सम प्रभा भगवान अकारण कृपा करने वाले दयालु जिनके कृपा में स्वभाव से समस्त जगत में आधारभूत चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल दयालु दीनानाथ भगवान श्री राघव जी सरकार के पाद कमलों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अब क्या बोले, राम की कथा होती है तो सबसे बढ़िया श्रोता हनुमान जी होते हैं। राम जी की कथा सुनने के लिए राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम की कथा में हनुमान जी श्रोता बनते हैं, पर आज तो हनुमंत कथा है और हमारी बुद्धि कह रही है कि आज स्वयं राम जी श्रोता है। राम की कथा को तो सिर्फ हनुमान जी सुनते हैं, लेकिन हनुमान जी की कथा को राम जी सुनते, हनुमान जी के गाथा भक्त की भक्त भगवान की कथा को भक्त सुनने आते हैं, पर कभी भक्तों की कथा होती है तो भगवान स्वयं सुनने आते हैं। हमें लग रहा आज की कथा के श्रोता आप सब तो एक निमित्त मात्र इमेज है, छवि है, चित्र है, पर असली श्रोता तो आपके रूप में राम जी विराजमान। ऐसे राम जी को बारंबार हम प्रणाम करते हुए स्थान देवता राम मंदिर में विराजमान सभी महापुरुष दिव्य देवी देवताओं को प्रणाम, भारत भूमि को भी प्रणाम, इस पावन धरा इंग्लैंड की यह पावन धरा इस शहर की भूमि को भी बारंबार प्रणाम, मात पिता के चरणों को प्रणाम, गुरु गोविंद को प्रणाम, साधु जनों के चरणों को प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम, पूज्य महाराज श्री जी को भी श्री सीताराम प्रणाम, एवं जितने भी कथा श्रोता यहाँ विराजमान है अथवा कुछ आने वाले हैं या कुछ यहीं लंदन में बड़ी आलस में टीवी पर कथा को देख रहे हैं, उन सभी को भी बाबा की एक पंक्ति के साथ सियाराम मैं सब जग जानी भैया करो प्रणाम साधु जी सीताराम सीताराम जोर से बोलो ना सीताराम हाउ आर यू। हमको भी अंग्रेजी सीखनी चाहिए है ना, कोई बात नहीं, कुछ आप एडजस्ट करना कुछ हम एडजस्ट करेंगे, हम अनपढ़ गवार हैं, लेकिन राम जी ने हनुमान जी ने ऐसी दया। मैं एक बात पहले ही निवेदन करूं, पूज्य महाराज जी जब बोल रहे थे तब से हमारे चित्त में पेन नहीं था वरना हम उसे लिखने वाले थे। साधुओं ये तो हनुमान जी की दया है, खबर नहीं बालाजी ने हमें यहाँ क्यों भेजा, खबर नहीं मतलब हमें पता नहीं क्यों भेजा, हम यहाँ धन कमाने नहीं धर्म कमाने आए हैं। और याद रखना आप ये बात बिल्कुल गांठ बांध करके रखना, संपत्ति जीवन में विपत्ति का कारण होती है, जितनी संपत्ति उतनी विपत्ति। फिर आप कहोगे कि आप दक्षिणा मत लेना, आपका तर्क होगा आप दक्षिणा मत लेना, खबर नहीं कौन जीवन में तुम्हारे महापुरुष क्या करके जाता है, पर हम कोई महापुरुष नहीं है, बागेश्वर धाम की व्यासपीठ तुम्हारे भीतर के राम को जगाने आई है। बिल्कुल स्मरण रखना हम आपको ना कथा सुनाने आए, हमको आप हम तो आपको राम जी के पागल बनाने आए, ऐन कैन प्रकार न, चाहे चमत्कार के वशीभूत होकर, मंत्र के वशीभूत होकर, अथवा भगवत कथा सुन करके या संगीत के वशीभूत होकर के तुम कैसे भी राम जी के पागल बनो। पागल का मतलब मेंटल नहीं, आप लोग थोड़ा सा मार्ग से गलत मत, पागल का मतलब जो प्रभु के चरणों को पाकर के उनमें गल जाए उसी का नाम पागल। और किसी महापुरुष की बहुत प्यारी पंक्ति थी, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे तो हम पागल ही अच्छे हैं। तो पागल का मतलब हम आपको ऐसा पागल नहीं बनाने आए कि आपको मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, नहीं नहीं नहीं, हम आपको सिर्फ इसीलिए आए हैं, क्या कहने साधु, महाराज जी का देन है, कहां लंदन कहां इंग्लैंड कहां एक छोटा सा गांव भारत में गढ़ा, तो वहां से ये मूर्ख आदमी गवार, न वाणी है न चलने की कला है न बोलने की कला है न कथा, वो तो महाराज जी जरूर पता नहीं भारत में क्यों पागल हैं लोग, वे फिजूली में आ जाते हैं हमारे पास,
और यहां तुम भी पागल हो, तुम आ गए, तो खबर नहीं हनुमान जी की दया पर हम फिर कहेंगे हम धन कमाने नहीं धर्म कमाने आए हैं। बागेश्वर धाम से ये जो पीठ आई है ना, आपको सिर्फ ये बताने आए हैं क्या हनुमान जी ही सार हैं, बाकी सब बेकार है। हनुमान जी के अलावा जीवन में कुछ भी सत्य नहीं, श्री हनुमान जी के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। पूरे विश्व में अगर कुछ सत्य है तो हनुमान जी। और यहां की भाषा तो बड़ी विचित्र है, हमारे तो सिर के ऊपर की भाषा है, कभी अंग्रेजी तो सीखी ही नहीं, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन अभी हम सुबह जब महाराज जी से चर्चा कर रहे थे तो एक बड़ा प्यारा सेंटेंस बना था, हनुमान जी भाषा के नहीं भाव के भूखे हैं। श्री हनुमान जी भाषा के नहीं भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सारे, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेरा पार। भगवान श्री हनुमान जी भाव के भूखे हैं। महाराज जी एक अंग्रेजी में बोल रहे थे, कहो तो मैं भी कुछ बोलूं अंग्रेजी में। हाँ समझना आप अपनी तरफ से, कुछ जोड़ भी लेना अगर उल्टा फुल्टा हो जाए, अपनी तरफ से जोड़ लेना, कुछ बिगड़ेगा नहीं। हनुमान जी भाव पर चर्चा सुबह हम जब चेक कर रहे थे, साधु लॉर्ड हनुमान इज नॉट हंग्री अबाउट लैंग्वेज, समझ आया? अच्छा अच्छा अब आगे सुनो, ही इज हंग्री अबाउट योर फीलिंग्स लव एंड डिवोशन। आपकी भाषा क्या है इससे हनुमान जी को कोई मतलब नहीं है, हनुमान जी को भावनाओं से मतलब है। आप अंग्रेजी बोलते हैं, हम तो बुंदेलखंडी आदमी है, ठठरी बारने वालों में से हैं। हमारे बुंदेलखंड में जो राम का नहीं है उसको हम कहते ठठरी के भरे, हम तो बुंदेलखंड। लेकिन हनुमान जी भाव भाषा पर ध्यान नहीं देते, श्री हनुमान जी की कृपा भावनाओं से प्राप्त होती है। बिना हनुमान जी के सब कुछ जीवन अधूरा है। आप कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, कितना भी बड़ा नाम कमा लो, आप करते रहे 24 घंटा काम के अलावा आप करते क्या है? आपके जीवन में वर्क के अलावा है भी क्या? और आपने जीवन भर काम के अलावा किया क्या है? लेकिन क्या आत्म सुख पाया, क्या संतुष्टि पाई आपने? यस नो, आपका जवाब नो। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए आप आए नहीं। जो जिसके लिए आता वो प्राप्त हो जाए तो वो संतुष्ट होता है। जो कथा सुनने आए उन्हें कथा सुन जाए मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जाता। कोई व्यक्ति बहुत लाइमलाइट में बना हो, उसका वो फॉलोवर्स हो, उसको लाइक करता हो और वो अचानक मिल जाए, उसके साथ फोटो हो जाए, वो खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी उसको प्राप्त वही करना है। उसी प्रकार आप काम करने नहीं आए, आप वर्क करने नहीं आए, आप नाम कमाने नहीं आए, आप राम को पाने संसार में आए। और आप भी तब तक प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में शांति नहीं होगी, तब तक संतुष्टि नहीं होगी जब तक आपके जीवन में राम नहीं होंगे। कितना भी पालो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो साधु, पर जब तक आपके जीवन में नाम नहीं होगा ना, जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं होगी, जब तक आपके जीवन में हनुमान नहीं होंगे। और मैं निवेदन करूं, हनुमान के बिना भक्ति मुश्किल है। हनुमान जी परम भक्त हैं राम जी के, और जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं है तब तक आपका मन असंतुष्ट है, मन में लगा ही रहेगा कुछ मिले। और एक सूत्र है महाराज जी, फिर इसका मतलब हम काम धाम बंद करके तुम्हारी कथाओं में लग जाएं? आपका तर्क होगा क्या करें ये सब बंद करके हम आपकी कथाओं? नहीं नहीं नहीं, भगवान ने तन दिया है ना, इसका उपयोग करो। आप नौकरी कर रहे ना, करो जितना कर सकते, वर्क करो, और वर्क खाने के लिए नहीं, राम को पाने के लिए करो। आप काम भोग के लिए नहीं, काम योग के लिए करो।
संसार भोगने के लिए नहीं मिला, ये मानव तन भोगने के लिए नहीं मिला, ये मानव तन योग करने के लिए मिला। योग का मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, यही तो योग है। आप अपने राम से जुड़ो। महाराज जी, राम को तो हमने देखा नहीं, हम बहुत उल्टे में से हैं। हम बोलते हैं कि हम व्यास नहीं, हम व्याध हैं। आफत, व्याध का मतलब आफत। हम आपसे कहते हैं कि पहले तुम राम का अनुभव करो, पहले तुम अपने जीवन काल में राम को गुनो, पहले तुम अपने जीवन काल में राम को भरो, बाद में उनके बनना। हम हमेशा बोलते हैं किसी को भी झट से गुरु मत मानो। महाराज जी को भी हम निवेदन करेंगे, आप किसी को भी झट से एंट्री मत दो लंदन में, पहले उसको परखो कि ये धन कमाने आया है कि धर्म कमाने आया है। और जब वो एकदम परिपक्व लगे कि नहीं ये माला वाला आदमी है, ये हमसे कुछ लेकर नहीं हमें बहुत कुछ देकर जाएगा, तब उसकी बाह पकड़ना और लंदन की गली गली में बैठा देना कि अब बिखेरो राम की खुशबू। और आपसे भी कहेंगे तुरंत मत अपने अस्तित्व में किसी को आने दो, पहले हनुमान जी को समझो, पहले आप कथा सुनो, कथा सुनकर के हनुमान जी को समझो, और जब तुम्हें लगे कि नहीं हनुमान जी ही सार है, तब तुम अपने जीवन का सार हनुमान जी को बना लेना। देखो, किसी कंपनी का कोई मालिक होता है तो कंपनी घाटे में जाती है तो चिंता मालिक को होती है या नौकर को? प्रोडक्ट ना बिक रहा हो तो टेंशन किसकी, वेतन की व्यवस्था ना हो तो टेंशन किसकी, नौकर की तो नहीं ना, नौकर को तो चिंता नहीं होती ना, नहीं ना, किसको चिंता होती है, मालिक को होती है। आप लोग घाटा का काम करते हैं, पूछो क्या, आप लोग सठता का काम कर रहे हैं, पूछो क्या, पूछो ना। आप गलती ये कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी के खुद मालिक बने हो, तो सारी चिंता आपकी है। अपनी जिंदगी के मालिक राम जी को बना दो, खुद नौकर बन जाओ, पर पूरी चिंता राम जी की हो जाएगी। चाह गई चिंता गई मनवा बे परवाह, जिसके अंदर चाह नहीं सो वही सहिंसा। चाह गई चिंता गई मन बेपरवाह हुआ, मन बेपरवाह हुआ तो आप भोग का काम भी करोगे, सिर्फ आप कोई उपद्रव भी करोगे। हमारी बुद्धि तो साधु कहती है वो बुरा काम भी इतना अच्छा हो जाएगा कि उसमें भी भगवत दर्शन हो। नामदेव जी को कुत्ते में दर्शन हो गए, बाबा नामदेव महाराष्ट्र का एक बहुत ऊंचा महापुरुष, उनको कुत्ते में दर्शन हो गए, श्वान में भगवान के दर्शन हो गए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़ी गलती ये करते हैं, हम लोग भगवानों को मंदिरों में खोजते हैं। भगवान कहाँ है, वो गुजरात का बहुत प्यारा गीत, मारा घट में विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी, ओ मारे घट में विराजता श्रीनाथ जी, बोलो बोलो महा, ओ मारा घट में विराजता, हमारा घट में, हमारे मन मंदिर में राम जी बैठे हैं। राम राम मंदिर में नहीं है, ये तो आस्था का विषय है, यहां आकर के उसकी याद आती है तो मंदिर जाना जरूरी नहीं है। हम लोग मरने के बाद माता पिता को मानते हैं, जीते जी माँ बाप को मानो तब बात बने। हम लोग मंदिर में राम को खोजते हैं, मन में राम को खोजो तब जाने। यहां भारत में पूजा कब होती है, जब कोई भारत में नहीं, हम लोग इतने विचित्र हैं, हम लोग मतलब हम आप इतने विचित्र हैं, कोई मर जाए अरे मेरे बाप तो बहुत ऊंचे आदमी थे, नक कटा, जब जिंदा थे तब पानी नहीं दिया, गिव मी वाटर, पानी मंगाते रहे तो पानी नहीं दिया, सॉरी डैड आई एम बिजी, सॉरी सॉरी मैं तो बिजी हूं, नक कटा, मन तो करता ठोकूं तू भाई,
अरे साहब, जब वो जिंदा रहे तब पानी नहीं दिया, मर गए तो इंग्लैंड से फ्लाइट करके आप जा रहे कहां? गंगा जी। बोली क्यों? बोले बाप मर गया, गंगा नहाया हूं। हमारे हमारे महापुरुषों में एक बहुत ऊंची भाषा है, जियत पिता को दीन न नीर, समझना, जियत पिता को, जीते पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलुआ खीर। जब तक पिता जिंदा था आपने पानी नहीं पिलाया, मर गए तो हलुआ खीर खवा रहे, पिंडदान कर दो, बाप है मेरो। जब जीवित रहे तब तुम्हारी नाक कट गई थी क्या? अरे साहब, जीते जी मानो। हम लोग मरने के बाद भगवान को खोजते, हम लोग मरने के बाद उसकी प्रशंसा करते। अगर तुम में दम हो तो जीते जी प्रशंसा करो किसी की। जो जिंदा हो उसको कहो ये आदमी बहुत ऊंचा है। कोई अगर, हम हमेशा बोलते हैं, जो जो परिवार रहता है हम सबको बोलते हैं, अगर कोई कथा बेच रहा तो खरीदार कौन है? आप लोग ना, तो गलती हमारी नहीं तुम्हारी है, मत खरीदो। धर्म बिजनेस का विषय नहीं, धर्म तो मौज का विषय है, धर्म तो जीने का विषय है, धर्म धारणा का विषय है। धार्यति धर्मा, शास्त्र कहता जिसको धारण कर सके। जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलुआ खीर। एक महापुरुष और बोले, जियत पिता को दंगम दंगा, जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। जब तक बाप जिंदा था हम लोग उपद्रव करते रहे, बहुत तेज वॉल्यूम में बात करते रहे, जब मर गया राम बचाए साधु। आलसी भी कह सकते हैं, हम लोग आलसी भी हैं। हम लोग भगवान को पाना चाहते हैं शॉर्टकट में, भक्ति खुद नहीं करना चाहते, हम कथा खुद नहीं सुनना चाहते, हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम भी भारत से आए, हम भी कोई अपना वतन छोड़ के आए, आप भी अपना वतन छोड़ के आए। मैं निवेदन करूं, राम हमारे बाप हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया ना। हमारी एक व्याख्या है, खबर नहीं आपको अच्छी लगी या बुरी, गॉड, यहाँ अंग्रेज लोग भगवान को क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं ना। गॉड में कितने अक्षर है? जी ओ डी, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जी फॉर जनरेटर, जनरेटर यानी ब्रह्मा, ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर यानी विष्णु, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी शिव। अब सुनना, तीनों प्रत्यक्ष भगवान बता रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जी फॉर जनरेटर, जनरेटर यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा है मां क्योंकि वो जन्म देती है। ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब पालन करने वाला, संचालन करने वाला, वो है पिता क्योंकि वो अपने ऊपर सब कुछ बोझ उठाते हैं। डी फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी शिव, वो है गुरु, दंड देने का अधिकार गुरु को होता। मात पिता गुरु, यही तीनों भक्त। अगर आपने इनको नहीं माना, इनकी ऊपर निष्ठा नहीं रखी, आपका जीवन व्यर्थ है। एक सच्चा सदगुरु जीवन में होना बहुत आवश्यक है क्योंकि गुरु ज्ञान देता है, गुरु भीतर के सोए हुए चक्षुओं को, बंद चक्षु को खोलता है, चक्षु यानी आंख। तो बड़ी भाग्य की बात है हमारी, हमें भारत, एक तो पहली बार हम निकले, ये भी हम आपको बता दें, हम पहली बार निकले, बहुत आलसी हैं, आलसी इतने हैं कि हमें लगने लगता कि भगवान ऐसी कृपा करें कि यही यही सब हो, यही हम लेट जाएं, यही कथा सुनाएं। लेकिन एक हमको बीमारी भी है कथा सुनाने की, कथा सुनाने की बीमारी इसलिए भी है, खुद भी जगना चाहते, आपको भी जगाना चाहते, स्वयं भी राम से जुड़ना चाहते, आपको भी हम राम से जुड़ना चाहते। तो बीमारी अच्छी है, अगर ये बीमारी है, ये बीमारी बहुत अच्छी है, लेकिन आलसी भी बहुत। वैसे हैरो का एक चंगीलाल, हमारा एक शिष्य है, हैरो में रहता है चंगीलाल, वो भी बहुत बड़ा आलसी था, पूछो कैसे, याद आ गया सुनाऊं। हैरो का चंगीलाल महा आलसी आदमी, इतना आलसी चंगीलाल, राम बचाए। एक बार चंगीलाल और चंगीलाल का एक फ्रेंड मंगीलाल, चंगीलाल भाई और मंगीलाल भाई दोनों छत पर लेटे थे, यहां छत कम होती है, लेकिन वो लेटे थे हैरो में, एक छत थी,
थी, वो दोनों लेटे थे। अब आलसियों की बात आई तो इतने आलसी के दोनों लेटे लेटे छत पर, तब तक यहां तो WWW मौसम का कोई पता नहीं, वाइब का भी और वर्क का भी पता नहीं, तो जो मौसम कभी भी बदल जाए। मौसम बदला तो बहुत जोर जोर से बिजली तड़की, बिजली चमक हुई, तो चंगीलाल ने कहा भाई मंगीलाल हाँ देख ऊपर लाइट जल रही है, तो मंगीलाल कहता चुप सो जा। तब तक बोला देख बूंदाबांदी पानी शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई, अरे भाई उठ नीचे चल। मंगीलाल से कहा चंगीलाल ने नीचे चल बारिश हो रही, रैनी बारिश हो रही चल। मंगीलाल बोला कोई दिक्कत नहीं बैठो अभी कुछ देर और सो आराम से। तब तक फिर बिजली चमकी, मंगीलाल इतना आलसी आदमी बोले चिंता मत करो बारिश हो रही है तो भगवान ने वेल्डिंग करने वाले भी भेज दिए हैं, ऊपर वेल्डिंग चल रही है थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। तो हैरो का चंगीलाल इतना आलसी, हम भी इतने आलसी हैं, हम आप भगवान को तो पाना चाहते पर भजन नहीं करना चाहते, राम से जुड़ना नहीं चाहते। हम लोग धन से ही सब कुछ करना चाहते हैं, और मैं निवेदन करूं धन से आप हॉल बना सकते हैं, धन से आप कथा की साउंड सर्विस लगा सकते हैं, कथा तो हनुमान जी की कृपा से ही होगी, वो हनुमान जी की कृपा के बिना मुश्किल है। और अगर आप कहो कि यहां पर सिर्फ धन के लिए कथा की जाती है तो ये भूल है, हमें लगता है तुम्हें ईश्वर ने चुना है, और वो तुमको चुन करके ईश्वर ऐसी, वरना इंटरनेशनल सिद्धार्थ आश्रम करता क्या है, हमारे महाराज जी करते क्या है, वो कुछ नहीं करते, वहां के जितने महापुरुष हैं उनको ला करके तुम्हारे बीच में प्रस्तुत कर देते हैं कि सुनो कथा। राम सेतु का काम, राम क्या राम जी से मिल पाता, हनुमान जी ही सब स्वाहा कराते, और हनुमान जी तो एक ऐसे देवता है ना उन्हें बीजा की जरूरत है ना पासपोर्ट, लंका गए तो ना बीजा लिया ना पासपोर्ट घुस गए, अब फ्लाइट की भी जरूरत नहीं है, अब वो तो यूं ही चले जाते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज तो ऐसे देवता हैं, और लंका में जाकर के हनुमान जी महाराज ने क्या अद्भुत लीला रची, लंका को भी जलाया, जानकी जी की खबर भी लाए, पर हनुमान जी इतने ताकतवर, अतुलित बल धामम हैम शैला विदेयम धनुजेबन कृषान ज्ञानी नाम सकल गुण निधानम वानराणाम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। साधु कहते हैं हनुमान जी इतने बल के निधान है, इतना बल है कि जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो जामवंत जी से हनुमान जी पूछते हैं कि आप हमें बताओ हमें लंका जाके करना क्या है, आप कहो तो मैं लंका को ही उठा लाऊं, हनुमान जी का बल देखना, आप कहो तो मैं लंका को ही उठा लाऊं। और गोस्वामी जी ने चौपाई में भी लिखा सुंदरकांड में, राम दूते तुलित बल धाम, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत राम, अंजनी पुत्र पवन सुत राम, राम दूत श्री हनुमान जी है, अतुलित बल है हनुमान जी में, हनुमान जी में इतना बल है हनुमान जी को स्वयं पता नहीं। आप लोगों को हम निवेदन करें, हम लोग हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ते हैं ताकि इनको इनका बल बता सके, इनको भूलने की बीमारी है, भूलते नहीं है श्राप है, ये इतने मस्त रहते राम नाम में कि इन्हें याद करवाना पड़ता कि आपने क्या क्या किया। और हनुमान जी में कितना बल है भैया पूछो मत, अतुलित बल,
अतुलित बल अतुलित प्रभु ताई अतुलित बल अतुलित प्रभु ताई मैं मति मंद जान नहीं पाई मैं मति मंद जान नहीं पाई अतुलित बल अतुलित प्रभु ताई अतुलित बल अतुलित हनुमान जी में अतुलित बल है। अपार बल के दाता श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हैं, पर हनुमान जी ने रावण को नहीं मारा, वापस आकर के जानकी जी की खबर राघव जी को दी, श्री राम जी को, और कहा कि आपको जाना पड़ेगा। हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया? मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि हम भी मार देते रावण को, हम भी लंका का विनाश कर देते, पर जब तक पुल नहीं बनेगा, राम जी लंका नहीं आएंगे, तब तक इन राक्षसों का कल्याण नहीं होगा। राक्षसों के कल्याण के लिए राम जी ने एक सेतु बनाया, पुल, ब्रिज, उस ब्रिज पर चढ़ करके, उस पुल पर चढ़ करके वानर भालू कपीस आदि आदि जाकर के लंका पहुंचे। उसके मध्य में हमारे राम जी सरकार, रघुनाथ जी, रघुवीर जी, रघुनंदन जी, राम जी वहां जाकर के रावण का वध करते। किसी ने रावण से पूछा कि तुम मर रहे हो, तुम्हें पता है ये भगवान है? रावण कहता हमें पता है ये भगवान है। फिर आपने राम जी से उपद्रव क्यों किया, द्रोह क्यों किया, राम जी से विरोध क्यों किया? पता है रावण क्या कह रहा था? रावण कह रहा था हमें पता है ये भगवान है, लेकिन हमने भगवान से इसलिए द्रोह किया ताकि उद्धार हो सके। तो किसी ने पूछा, उद्धार तो आप कभी भी करवा सकते थे, वहीं सामने जाकर के कोई ऐसा बड़ा उपद्रव करते तो राम जी बाण मार देते, तुम्हारा स्वाहा हो जाता, उद्धार हो जाता, मर जाते। रावण बोला हम तो मर जाते, लेकिन हमारा जो परिवार है ये कैसे इनके दर्शन कर पाता? इसलिए जानकी जी का हरण रावण करके लंका में रखता है ताकि राम जी जानकी के बहाने, जानकी कौन है? मैया जानकी है भक्ति, मैया सीता है भक्ति, और राम जी बिना भक्ति के सहारे कहीं जाते नहीं। जब तक भक्ति लंका में नहीं पहुंची, राम जी लंका नहीं गए। जानकी जी भक्ति है, राम जी वहां रहते जहां भक्ति है, और भक्ति के बाद भक्त ना पहुंचे तब भी राम जी नहीं आते। कथा बहुत गौर से सुनना साधु, बिना भक्ति के भगवान नहीं आते, और बिना भक्त के भी भगवान नहीं आते। भक्ति है जानकी जी, भक्त है हनुमान। जब तक जानकी जी हनुमान नहीं पहुंच गए, तब तक भगवान राम लंका नहीं आए। उसी प्रकार मैं निवेदन करूं, जब तक आपके जीवन में भक्ति है कथा, हनुमंत कथा है भक्ति, आपके चित्त में जिस दिन हनुमान जी बैठ जाएंगे तो हो गई भक्त, भक्ति भक्त, फिर बचे भगवान। जिस दिन कथा में आपके अंदर बैठ जाएगी, हनुमान जी का अनुकरण जिस दिन आप कर लोगे, उस दिन राम जी अपने गले आपको लगा लेंगे। हम लोग कहते हैं महाराज जी राम जी हमें देखते नहीं, हमें मिलते नहीं, दरअसल आपका स्टेप ही गलत है, रास्ता ही गलत है। हम डायरेक्ट छत पर चढ़ना चाहते, हम डायरेक्ट बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचना चाहते, बिना पुरुषार्थ के, बिना स्टेप के, बिना सीढ़ियों के सहारे के। पहला स्टेप है भक्ति, दूसरा स्टेप है भक्त, पर तीसरा स्टेप पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद उतर के चले आते, वो है भगवान। जो मैं राखूं एक पग, भगवान कहते जो तू राख है एक पग, मैं राखूं पग साठ, तुम अगर एक पग मेरे लिए चलोगे, राम जी कहते हम 60 कदम दौड़े चले आएंगे। हम अपने जीवन काल में जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कब हूं ना रही सके, रति रजनी एक ठा। हनुमान जी लंका गए, लंका से वापस आकर के राम जी से कहते हैं कि आप सेतु का निर्माण करो, फिर लंका चलो। और हमारी बुद्धि कहती है भूमिका में,
वही काम हमारे पूज्य सिद्धाश्रम वाले महाराज जी करते हैं। आप भारत जा नहीं पाते हैं, आप कथा सुन नहीं पाते हैं, कथा टीवी पर तो बहुत सुनते हैं पर सानिध्यता में कथा नहीं मिल पाती है, तो सानिध्यता का प्रभाव दिखाने के लिए, स्वभाव दिखाने के लिए भारत से महापुरुषों को लाला करके बैठार देते हैं और परोसवा देते हैं। जो उसकी शरण में आ जाता उसको राम जी मिल जाते हैं। वो काम हमारे महाराज जी का, ये बड़वारी नहीं है, एक और याद रखना, ये प्रशंसा नहीं है, ये सत्य है, ये बोध है, सत्य है। और भैया हनुमान जी अति बलवान है, और बलवान से ही आज चर्चा शुरू करते हैं और कल कथा पे श्री कथा में श्री हनुमान जी का अवतरण करेंगे, हैं कल अवतार करेंगे, लेकिन आज बलवान पर चर्चा उठी तो आज की कथा बलवान पर ही शुरू करें। लेकिन एक भाव सुना करें, वीर हनुमाना उठाओ दोनों हाथ, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। दोनों हाथ उठा करके बारी है ना, बजरंग वाला फेरू थारी माला, ओ बजरंग वाला फेरू थारी माला, बजरंग वाला फेरू थारी माला, बजरंग वाला फेरू थारी माला, संकट हरियो रे, हाँ संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, जो ताली ना बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम, उठाओ दोनों हाथ, मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, हाँ कृपा करियो रे
मन बसियो रे आपकी तरफ से हनुमान जी को एकाध पंक्ति सुनाऊं? सुनाऊं? तो ताली बजाओगे ना? अच्छा सुनो, हनुमान जी को कहना है, मैं झूठ बोलूं तो सब कुछ मेरे पास, हनुमान जी मैं झूठ बोलूं तो सब कुछ मेरे पास है और सच कहूं तो सिवा तेरे कुछ भी नहीं है। और बालाजी एक और निवेदन है, पूछो क्या? जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। आप लोग भी यहीं से अर्जी लगाओ, काम तो बहुत कर लिया, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम कर लो हनुमान से। दादा गुरु ये महापुरुष, इनको 5 बार हनुमान जी के दर्शन हुए, अद्भुत महापुरुष भारत के, जिनके बल के कारण हम दरबार लगा पाते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हनुमान जी महाराज चैलेंज देते हैं। ऐसे दादा गुरु एक बहुत सुंदर छंद बोलते थे, कहो तो सुनाओ, समझ में ना आए तो क्या बोलते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, ना समझ में आए तो क्या कहते हैं, अंग्रेजी हम बोल नहीं पाते हैं। अब हिंदी तुम्हारी समझ में ना आए तो ये हनुमान जी बचाएं, फिर तो भगवान जाने कि अब क्या वो कहते हैं, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। क्या बात, हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते पर आपकी फीलिंग जरूर समझ। तो वो बाबा कहते थे, बालू की भीट धुआं को मंदिर, भीट यानी दीवार, बालू जानते हैं रेत, बालू की भीट धुआं का मंदिर, धुआं धुआं का मंदिर, बालू की भीट धुआं का मंदिर, ओछे की प्रीत कवे निवई है, छोटे व्यक्ति से प्रेम ज्यादा दिन तक नहीं चलता। बालू की रेत की दीवार नहीं बनती, धुआं का कभी मंदिर नहीं बनता, छोटे व्यक्ति से ज्यादा दिन प्रेम नहीं टिकता। बालू की भीट धुआं का मंदिर, ओछे की प्रीत कवे निवई है, तुम राम को नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप का दूर दई है। तारा हाथ उठाकर भी कमजोर नहीं, तुम भी गाओ, हम गाएंगे, हम भर मेहनत क्यों करें, अब पहले गाते फिर तुम करो। जो कोई आवे अर्जी लगावे, बोलो कितना तो मीठा गाते हो, बड़े शर्माते हो, बहुत मीठा गाते हो, विदेश में भी भारत को नहीं छोड़ा। जो कोई आवे
के पहले हनुमान जी को आठ उपाधियां मिली। कितनी? आठ। कौन कौन? अतुलित बल धामम, पहली उपाधि। हनुमान जी अतुलनीय बल के धाम हैं। दूसरी उपाधि है मुसैलाभिदेहम, इनका रूप सोने के समान है, गोल्डन मैन, लेकिन गोल्डन गॉड कहा जाए, सोने जैसे हनुमान जी। तो हनुमान जी का रूप क्या है? बोले स्वर्ण के समान। ये हनुमान जी को दूसरी उपाधि। तीसरी उपाधि क्या मिली? अतुलित बल धामम हैम शैलाभिदेहम दनुज वन कृसानु, दानवों को मारने वाली। दानव यानी राक्षस। दानव में और मानव में अंतर क्या है? सुनिए, जो अपने लिए जिए, केवल अपने लिए जिए, ऑनली अपने लिए जिए, वो है मानव। जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए, जो अपने लिए जिए, केवल अपने लिए जिए, वो है दानव। जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए, वो है मानव। हनुमान जी वध किसका करते हैं? दानवों का। कौन दानवों का? जो राम का नहीं है, जो राम जी का नहीं है, राम कथा सुनने वाला नहीं है, जो भगवान की कथा को भी पाखंड मानता है, ऐसे व्यक्ति का वध हनुमान जी करते हैं। इसलिए दनुज वन कृसानु ज्ञानी नामा गृगण्यम, चौथी उपाधि। चौथी उपाधि श्री हनुमान जी महाराज को चौथा पद प्राप्त हुआ, ज्ञानियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं। बहुत ज्ञानी हैं हनुमान जी। तब तो गोस्वामी जी ने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, श्री राम जय राम।
श्री हनुमान जी महाराज को है ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, ज्ञानी नहीं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब उत्कृष्ट, जो सबसे उत्तम है वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। आठ उपाधियों उपाधियों में आठवां पद, पांचवां पद कौन सा है हनुमान जी का? सकल गुण निधानम। हनुमान जी सभी गुणों के निदान है। कौन सा ऐसा गुण है जो हनुमान जी में नहीं है? हनुमान जी में प्रेम भी है और क्रोध भी है, हनुमान जी में भक्ति भी है और शक्ति भी है, हनुमान जी में बल भी है और हनुमान जी सबल भी है, हनुमान जी में स्वभाव भी है और हनुमान जी में प्रभाव भी है, और हनुमान जी में ज्ञान भी है और हनुमान जी में वैराग भी है, हनुमान जी में राग भी है और अनुराग भी है। ऐसा कौन सा गुण है जो श्री हनुमान जी में नहीं है? तो पांचवा पद हनुमान जी को वो जो मिला, देखो नई बात आ गई यार, पांचवा पद हनुमान जी को मिला सकल गुण निधानम। अब छठवा पद क्या मिला हनुमान जी को? वानराणामधी। हनुमान जी बानरों के राजा हैं, बानरों के राजा, बानरों के राजा। देखो भाई, हनुमान जी हैं बंदर, लेकिन राम की भक्ति पाकर के बंदर भी हो गए सुंदर। हाँ, हनुमान जी बंदर हैं, लेकिन राम जी की भक्ति पाकर के हनुमान जी हो गए सुंदर, तब तो इनके लिए सुंदर कांड है। वानराणामधीशम, बानरों के राजा श्री हनुमान जी है, लेकिन बानरों के राजा रहते हुए भी हनुमान जी साधारण नहीं है। बानरों के राजा क्यों बनाया, ये उपाधि क्यों दी? बानर होता है चंचल, कपी चंचल सब ही विधीना, कपी चंचल सब ही। हनुमान जी कह रहे हैं कपी चंचल चंचल, लेकिन बानर चंचल होता है, हनुमान जी चंचल नहीं है, क्योंकि राजा वही होता है जो चंचल ना हो। राजा को तो गंभीर होना चाहिए। हनुमान जी बंदर जरूर है, पर हनुमान जी चंचल रहित सुंदर है, इसलिए बानरों के राजा बनाए गए। ये पांचवी उपाधि। अब छठवीं उपाधि सुनिए श्री हनुमान जी की। ये छठवीं उपाधि थी बानरों के स्वामी। अब सातवीं उपाधि सुनिए हनुमान जी। रघुपति प्रिय भक्तम। रघुनाथ जी के भगत हैं। किसके भक्त हैं राम हनुमान जी? रघुनाथ जी। रघुनाथ जी कौन? अच्छा, ये राम कौन है जिनकी आप बार बार चर्चा कर रहे हैं? ये राम वही है जिनसे बनते सब काम है, जिनसे मिलता आराम है, उन्हीं का नाम आराम। काम में भी, धाम में भी, ग्राम में भी, साम में भी, सब में जो आराम है उन्हीं का नाम राम। या ऐसे समझो, यहां वहां जो सर्वत्र विराजमान रहते उन्हीं का नाम राम है। बोलो सीताराम। कौन कौन आराम चाहता अपनी जिंदगी में? हाथ उठाओ। नहीं चाहते तो मत उठाओ, नो प्रॉब्लम।
अगर आराम चाहते तो उठाओ दोनों हाथ, चाहते ना आराम बोलो, कहो यस। कुछ तो अंग्रेजी हो, लंदन में हो तो कुछ तो अंग्रेजी हो, तो आराम चाहते ना, चाहते ना, यस। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। एक उपाय है, 5 दिन की हनुमंत कथा यहां बैठी तो कथा सुनो, राम के हो जाओ, और जब राम के हो जाओगे तो आराम मिल जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आहा, हनुमान जी महाराज की 7वीं उपाधि है रघुपति प्रिय भक्तम। रघुपति प्रिय, रघुनाथ जी के प्रिय श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज है, लेकिन 8वीं उपाधि क्या है हनुमान जी को? हनुमान जी को 8वीं उपाधि है परम भक्त की, साधारण भक्त नहीं, परम भक्त। हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, और राम की छत्र छाया में रहने वाले अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी भी कम नहीं फिर हुए। जो परम भक्त होता है उसका फिर एक युग में पूजा नहीं होती, चारों युगों में पूजा होती है। तब तो हनुमान जी के चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, तुम्हारा परिताप का परिणाम क्या है भाई? कोई कथा सुने तो कथा का परिणाम क्या निकलता, पूछिए क्या निकलता? कोई कथा सुने तो कथा का परिणाम है नाम जप की रट लग जाना, अपने आप जीभ चलने लगती है। संत मिले तो संत का प्रताप क्या है? संत मिलेंगे तो संत का प्रताप है कि अपने आप भगवान की कथा सुनने की जिज्ञासा जग जाना। लेकिन राम जी मिले इनका प्रताप क्या है? राम जी मिले तो पहला प्रताप तो है आराम विश्राम, और दूसरा प्रताप है चारों युगों में उनकी पूजा होती है। ये हनुमान जी को, ये 8 उपाधियां हनुमान जी को हैं। अच्छा 8 ही उपाधियां क्यों हैं, 9 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, इसका भी जवाब सुन लो। आह नई बात याद आ गई, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, अश्वर दीन जानकी माता, गरिमा गरिमा प्रणत आकाम ईशत वसत, ये 8 सिद्धियां हैं। इस पर एक दिन चर्चा करेंगे हम, 8 सिद्धियों पर कौन कौन सी सिद्धि है हनुमान जी के पास, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले तो आज की चर्चा जहां से उठी, राम दूत अतुलित बलधाम, राम जी के प्रिय दूत श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हैं। और हमने आज बैठते ही आपको सुनाया था,
राम जी की जहां जहां कथा होती, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ जी की कथा होती वहां हनुमान जी जाते हैं, लेकिन जहां हनुमान जी की कथा होती वहां राम जी आते हैं। और इस कथा में भी हमें आप सब में सिया राम मैं सब जग हमें लगता है कि आप जानकी जी, आप राम जी हैं, और जो कथा सुन रहे हैं वो राम जी ही सुन रहे हैं। हनुमान जी का बल कितना है? हनुमान जी से पूछो, बताओ कितना बल है। हनुमान जी बोले, भैया हमारे पास कोई बल नहीं। पर आपके नाम से ये बल की बात क्यों आती है कि आप तो अतुलित बल धाम में, फिर ये गलत है। हनुमान जी बोले, नहीं गलत नहीं सही है। तो फिर इसका मतलब आप बलवान हो? हनुमान जी बोले, हम बलवान नहीं है। देखना कितना अच्छा भाव, क्यों नहीं है? बोले सही अर्थ निकालो। बोले अतुलित बल धाम, धाम माने होता है मकान, अतुलित माने होता अतुलनीय, धाम माने मकान। बोले हम तो हैं मकान, बल किसी और का है। अभी हनुमान जी की कला है, ये उल्टी उल्टी बात है, नहीं सीधी सीधी। हनुमान जी बोले, देखो भाई हम हैं मकान, हमारे बल हैं श्री राम जी हृदय विराजे राघव जू हृदय विराजे राघव जू मेरे हृदय विराजे राघव जू मेरे हृदय बल है वो है राम जी, और इस मकान में निवास है राम जी का। किसका निवास है? राम जी का। आप लोगों ने सुना होगा जानकी जी और राम जी हनुमान जी के हृदय में। तो हनुमान जी बोले ये बल भी उनका है। अच्छा, लेकिन अतुलित बल धामम तो आपको कहा? बोले नहीं नहीं नहीं, राम जी का अतुलित बल है, हम तो मकान है। अच्छा, बहुत सुंदर तर्क भी दिया। बोले एक बात बताओ, मकान मालिक की महिमा होती है कि मकान की महिमा होती है? बोलिए, मालिक की महिमा होती ना। मकान तो किसी का भी बना हो, लेकिन मकान मालिक थोड़ा डेंजर मैन हो, तो भाई दिस इज डेंजर मैन, ये बहुत खतरनाक आदमी है, इससे बच के रहो, साइड से चलो। तो मकान की कोई महिमा नहीं, मकान तो बहुत सारे बने, पर जो प्राइम मिनिस्टर का मकान होता है या राजा का मकान होता है, किंग का या महारानी का मकान होता है, उसको कोई नहीं टच करता है, वहां कोई नहीं साधारण जाता है। हाँ जी या ना जी? तो राम जी बोले हमारी कोई महिमा नहीं, हम तो मकान है, मकान जो मालिक है वो महिमा तो उनकी। देखो कितने तरकी है हनुमान जी। अच्छा, तो राम जी में इतना बल है? अरे बोले है, अतुलित बले अतुलित प्रभु ताई मैं मति मंदा जाने नहीं पाए। आहा, हनुमान जी बोले हां बल है। किसमें? राम जी में। राम जी का बल किसने देखा? किसी ने देखा है कि ऐसी केवल कथा बता रहे? हां देखा है। पूछो किसने देखा? इंद्रपुत्र जयंत। इंद्र का एक बेटा है जिसका नाम था जयंत। इंद्रपुत्र जयंत ने आहा श्री राम जी का बल देखा। एक दिन इंद्रपुत्र जयंत कौवा बन करके आया। कौवा, राम जी जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे। सीता चरण चौंच अति भार,
जानकी जी के चरणों में उस इंद्रपुत्र जयंत ने चौंच मारी। कौवा बन के आया, क्यों आया? राम जी का बल देखने। क्या देखने आया? बल। क्या किया जाए? राम जी पर प्रहार किया जाए, शायद राम जी ना कुछ बोले। तो जानकी जी, जिनका श्रृंगार राम जी कर रहे थे फूलों से, उनके चरणों में चौंच मारी। हमने तो वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है कि केवल चरणों में चौंच नहीं मारी, उस इंद्रपुत्र जयंत ने जानकी जी के वक्ष स्थल पर भी चौंच मारी। लेकिन माने कुछ कहा नहीं, माने बताया भी नहीं राम जी को कि हमारे चरणों में चौंच या वक्ष स्थल पर पंजा मार दिया है जयंत ने। जब वो कौवा उड़ा तो खून की बूंदे राम जी के ऊपर गिरी, रक्त की बूंद। तो राम जी ने देखा, जानकी ये तुम्हारा रक्त है? नहीं नहीं महाराज, सरकार मैया ने अपना पल्लू लिया ताकि ये भी पुत्र है, इंद्रपुत्र जयंत भी पुत्र है। राम जी कहीं हमारे रक्त को देख करके, ब्लड को देखकर, खून को देख करके कहीं जो है आहा हा इसको कोई दंड ना दे दें। तो जानकी जी ने अपना पल्लू लिया, सरकार के हाथ को पहुंच दिया। नहीं, कुछ नहीं, बताओ। अच्छा, बड़ी मंदमती वाली बात यह है कि उस जयंत ने चौंच मारी सो तो ठीक, जैसे ही राम जी ने पूछा कि तुम्हारे लगा है, जानकी जी ने मना कर दिया तो वो कौवा कांव कांव करने लगा। चोरी ऊपर से सीना जोरी। राम जी बोले, अच्छा इतनी ताकत? राम जी तो श्रृंगार रस में विराजमान है, धनुष बाण तो था नहीं। राम जी बोले, वाह भाई साहब, हमारा बल देखने आए हो, वाह, वेलकम टू यू, स्वागत है आपका, आइए। राम जी ने क्या किया? राम जी ने तीर नहीं मारा, राम जी ने एक तिनका उठाया, छोड़ दिया। तिनका, तिनका ब्रह्मास्त्र का काम करता है, पीछे पीछे तिनका, आगे आगे कौवा बना हुआ जयंत भागा 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 अपने पूजनीय पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी कौन है इसके? इंद्र। पाहि माम पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ। अरे बेटा क्या हुआ? कम हियर, क्या हुआ बताओ, बताओ, पुल डाउन, बताओ क्या हुआ, मैं अभी खबर लेता हूं किसने क्या किया। तो जयंत तो बोला, पीछे बाण लगा है। पिताजी बोले, किसका? बोले राम जी का। इंद्र बोला, भागो वरना दूसरा हम छोड़ देंगे, उनसे कोई नहीं खतरा मोल ले सकता। जयंत तो बोला, बताओ हमारे पूजनीय पिताजी ऐसी बात बोल रहे? जयंत भगा पिताजी के पास, शंकर जी के पास गए। हे भोले बाबा, हे त्रिपुरारी भोले भंडारी महादेव, डम 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 डमरू बाले बाबा, पाहि माम बचाओ 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 बचाओ, हेल्प मी हाँ, आपकी अंग्रेजी में हेल्प मी ऐसे ही बोला होगा अगर अंग्रेजी बोला होगा तो, अगर अगर इंग्लिश बोला होगा जयंत, हेल्प मी हेल्प मी। शंकर जी कहे, कूल डाउन, नो प्रॉब्लम, वेट एंड वॉच, इंतजार करो, हम अभी आपकी रक्षा करते हैं। ऐसा हुआ होगा, खबर नहीं, हम तो लंदन में बैठ के, अब हमारे भीतर भी वो कीड़ा थोड़ा थोड़ा ना, वो कहते ना क्या बोलते हैं, ट्रांसफर, सामने सब इतने थोड़ा थोड़ा, सबका एक एक अक्षर अंग्रेजी का आ रहा है ना, पर आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। यहाँ के महापुरुष भी बैठ गए तो फिर भी हम फिर कहेंगे, बोले बाबा आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन जयंत जरूर कह रहा होगा, हेल्प मी बचाओ। देखो एक बात बोले, हमारी हनुमान जी की कथा, हनुमान जी की, ये है हमारा वाईफाई, ये है ना, जो क्या है वाईफाई, जैसे इसमें सिग्नल आते हैं हम वैसा बोलते हैं। अब हनुमान जी जाने क्या बोलते हैं, पर ये पक्का है, हम कुछ नहीं जानते, हम खुद चाहते तुम्हारे साथ हम भी राम जी के पागल हो जाएं। ओ कमली वाले की मैं फिर सजी,
मेरे बाबा की महफिल सजी, मेरे बाबा बागेश्वर बाबा की महफिल सजी, बागेश्वर बाबा की महफिल सजी है। इस महफिल में कौन कौन आया है उठाओ दोनों हाथ अगर आए हो तो, ताली बजाते हुए। कहता है कोई अफसाना कहता है कोई मस्ताना कहता है, ये तो अपने प्रेम की बात है। पागलो हम हनुमान जी के कहते हैं, हनुमान जी हमें अपना कहता है। मेरे बाबा की बागेश्वर बाबा की महफिल सजी है। इसमें हम भी आए तुम भी आए, हम भी आए तुम भी आए, झूम झूम कर कथाएं गाए, झूम झूम कर कथाएं गाए, झूम झूम कर गुड़हें गाए, झूम झूम कर गुड़हें गाए। मेरे बाप के पास जयंत गया, बचाओ बचाओ बचाओ। भोले बाबा ने कहा कौन? मैं जयंत इंद्रपुत्र। हो क्या हुआ? बाण लगाए पीछे, किस लिए? मारने के लिए। आरती तो करेगा नहीं, रामायण कथा तो सुनाएगी नहीं, बागेश्वर जैसे महाराज जी जैसी। प्राण लेने के लिए। हो चिंता मत करो, त्रिशूल लिया अभी बचाते हैं। लेकिन एक बात तो बताओ, ये बाण किसका है? राम जी का। भाग! क्यों? त्रिशूल छोड़ दूंगा। जयंत तो बोला अभी बचाने की बात कह रहे थे, अब त्रिशूल छोड़ रहे हो। जय हो आपकी। तुम्हारा भी कोई ठिकाना नहीं, हमारे बाप ऐसे ही निकले और आप ऐसे ही निकले। जयंत तो वहां से भी तीनों लोकों में जयंत को कहीं जगह नहीं। देखो यहां पर मैं एक निवेदन करूं, भगवान का द्रोह कर दोगे, भगवान से विद्रोह रख लोगे, भगवान से दुश्मनी रख लोगे, भगवान का उपद्रव कर दोगे, भगवान छोड़ देंगे। पर भक्ति का या भक्त का उपद्रव करोगे, भगवान नहीं छोड़ेंगे। राम जी का तुम द्रोह कर दो, राम जी तुम्हें छोड़ देंगे। शंकर जी से उपद्रव कर लो, शंकर जी छोड़ देंगे। हनुमान जी से तुम शायद, हम तो नहीं मानते, लेकिन शायद अगर तुम द्रोह करो हनुमान जी छोड़ देंगे, पर राम जी नहीं छोड़ेंगे। हम निवेदन ये करना चाहते, तुम भगवान का द्रोह अगर हो सके तो ना करना, फिर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर भक्त का स्वप्न में भी विद्रोह मत करना, वरना कोई नहीं बचाएगा। तीनों लोकों में जयंत गया, क्या किसी ने रखा उसे? नहीं। लागी दया कोमल चित संता। जब जयंत शंकर जी के पास से भागा तो रास्ते में एक मुनि मिले,
और संतों का काम है दूसरों का दुख देखते हैं तो उसे वो अपना मान। मैं निवेदन करूं लोग आप पता नहीं आप लोग किस दृष्टि से संतों को देखते हैं, हमारा तो मत कहता है ना संत जीते जागते भगवान है। हमने भगवान को तो नहीं देखा, संतों में भगवान को देखा। गुरु संत मतलब गुरु भगवान है। राम जी कैसे होंगे हमें पता नहीं, कभी कभी हम दादा गुरु को देखते हैं हमें लगता है हमारे हनुमान जी ऐसे होंगे। संतों की गुरु की महिमा है तब तो गोस्वामी जी कहते जय 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 हनुमान गोसाई। पढ़ेंगे माई बाप मेरे साधु हो तो हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी गुरु से होता। श्री गुरु चरण निज मन मुकुर बरन रघुबर। और हनुमान चालीसा जब विराम हो रहा तब भी जय 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 और कृपा करो गुरुदेव की। हम लोग कितने भी निकृष्ट हो जाएं, भूल बार्न हो जाएं, कई बार हम लोग यहाँ पे भी बहुत ऐसे महापुरुष बैठे भारत आ गए ना माँ की खबर ली ना पिता, भारत से यहाँ आ गए ना माँ की खबर ली ना पिता की। अरे याद रखना तुम जरूर भूल जाओ पर कभी माँ बाप से तुम्हारे बारे में कोई पूछे तो वो भूल नहीं पाते। हमारी निजी चर्चाएं हम अभी सुबह माँ को कॉल कर रहे थे, हमने माँ से बात की, माँ कैसे पता है माँ क्या गया? बेटा तू पहली बार गया है, हमारा कल से मन नहीं लग रहा। हम जरूर यहां आके महाराज जी से मिलकर के भूल गए, लंदन बड़े ट्रैफिक रूल्स एंड अच्छी व्यवस्थाएं शांत प्रिय शहर, लेकिन माँ 24 घंटे आए हो गया, हम एक पल के लिए याद नहीं कर पाए पर मां ने एक पल हमें याद करना नहीं छोड़ा। पिता छोड़ा नहीं। साधुओं मैं निवेदन करूं आप सबको, तुम जीते जी भगवान के दर्शन ना भी कर पाओ मां बाप और गुरु में ही भगवान के दर्शन करो, यही भगवान है। मंदिर के भगवान को तुम प्रसाद ना लगा पाओ चलेगा, मंदिर के भगवान की तुम आरती ना कर पाओ एक घड़ी चल जाएगा, घर पर बैठे माँ बाप और गुरु को प्रसाद लगा देना समझना भगवान ने भोजन कर लिया। साधु हनुमान जी के हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी गुरु से प्रारंभ करते गुरु से विराम करते। किसी ने पूछा आप गुरु से प्रारंभ, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधा। गुरु से आपने प्रारंभ किया और गुरु पर आपने विराम किया, खबर नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शिष्य कितना भी घटिया हो जाए, शिष्य कितना भी बेकार हो जाए, शिष्य कितनी भी निंदा कर दे पर गुरु उसको छोड़ते नहीं है। पुत्र कितना भी बेकार हो जाए, कितनी भी निंदा कर दे, कितना भी भूल जाए, जिस प्रकार माँ बाप पुत्र अथवा पुत्री को याद करना नहीं भूलते उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को नहीं भूलते। इसीलिए गोस्वामी जी ने गुरु से प्रार्थना प्रारंभ की और गुरु पर प्रारंभ की। संत और गुरु जीते जागते परमात्मा है। कौन है परमात्मा? परमात्मा कहें तो भगवान। नारद देखा बिकल जयंता, रामायण की चौपाई लागी दया को मल जीत संत
को विकल देखा तो पूछा, जयंत कहां जा रहे? जयंत ने कहा, कोई ठिकाना हो, स्टॉप का कोई जगह हो तो मैं बोलूं, जहां बाण लिए जा रहा वहां जा रहे। नारद जी ने पूछा, ये बाण क्यों पीछे लगा? मारने के लिए, आरती थोड़ी करेगा, कथा थोड़ी सुनाएगा, मारेगा। नारद जी ने कहा, देखो लेकिन जयंत तुम खड़े हो गए तो बाण भी खड़ा हो गया, मारना होता तो कब का मार देता। जयंत रोते हुए बोला, और आफत क्यों? पीछा छोड़ नहीं रहा, मार रहा नहीं। नारद जी ने कहा, ये मारेगा नहीं, क्या करूं, बाण से तुम्हें जयंत कोई नहीं बचा सकता। जो भक्त का अपराध कर देता है उसे विश्व में कोई बचा नहीं सकता, जो माता पिता गुरु का अपराध कर देता उसे संसार में कोई बचा नहीं सकता। तो मैं कोई बचा नहीं सकता, क्या करूं, जिनका बाण है उनकी शरण में जाऊं। जयंत कहता है, नारद जी अगर हम जाएंगे तो भगवान पूछेंगे कि पहली बार क्यों आए थे, तो तुम बताओ ना क्यों गए थे। बोले, प्रभाव देखना। बोले, बात बन गई। भगवान के पास जाओगे तो भगवान पूछेंगे, जयंत पहली बार क्यों आए थे, तुम कह देना प्रभाव देखने। फिर वो पूछेंगे, दोबारा लौट कर क्यों आए, कह देना आपका प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव और देखना है। आपका स्वभाव क्या है? और जयंत गया, राम जी ने पूछा भी, तुम क्यों आए थे? बोले, बल देखने। बल देखा? जयंत बोला, हाँ, क्या बल है? अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, रामायण की चौपाई, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद दे रहे हैं। तुम सब कहते, हनुमान जी ने कहा, तुम सब कहते कि हमारे अंदर बल है, बल तो राम जी के अंदर है, अब वो राम जी हमारे हृदय में बैठे हैं, हम तो मकान हैं, इसलिए लोग हमें अतुलित बल धामम कहते हैं। ये है हनुमान जी की महिमा, ये हनुमान जी का बल है, हनुमान जी में इतना बल है, ये इसकी चर्चा है, अतुलित बल धामम। हनुमान जी इसलिए अतुलित बल है, और हनुमान जी साधारण नहीं, अद्भुत महापुरुष। हनुमान का अर्थ है, हमसे कोई पूछे तो हनुमान का अर्थ क्या है, जिसे न मान प्रिय हो, न सम्मान प्रिय हो, न स्वाभिमान प्रिय हो, न ज्ञान प्रिय हो, जिसे सिर्फ राम प्रिय हो, वही हनुमान है। न मान चाहिए हनुमान जी को, न सम्मान चाहिए हनुमान जी को, न स्वाभिमान, उन्हें तो राम चाहिए। और राम अगर चाहिए आपको, और अगर आपको हनुमान चाहिए, तो यहां लंदन में रहने वाले पागलों, आप भी कहोगे कौन सा फदाल पकड़कर लाए हैं महाराज। पहली बार कोई ऐसा कथा व्यास जो पागल कह रहा हो, थोड़ा हम भी पागल, थोड़ा तुम भी पागल, हम चलकर आए, तुम काम छोड़कर कथा में आए, 50-50 दोनों पागल। अच्छी खासी हमारी भी वहां जिंदगी चल रही थी, रोज दरबार चला रहे थे, 1.5-2 लाख लोगों में बैठ करके खूब झूम के तालियां बजवा रहे थे, हम भी चले आए 8 घंटे की चील गाड़ी पकड़ के। चील गाड़ी जानते हो? हवाई जहाज। हम भी चील गाड़ी पकड़ के, और धन्य रे लंदन। पूछो क्यों? हमें तो बड़ी दिक्कत, यहां का अदरक भी इतना बड़ा, अदरक की तो छोड़ो, एक एयरपोर्ट पे मिल गया,
ऐसे देखे, हु आर यू? अरे हमका भागो राम जी, अद्भुत। लेकिन याद, लेकिन हम बताएं, आकर के अभी तक तो प्रसन्नता नहीं थी, आप सबको देख करके हमें भी लगा हम सही जगह आए। और हम फिर कहते हैं, हम फिर कहते हैं, हम धन कमाने नहीं धर्म कमाने आए। हम फिर कहते हैं तुम मत आना कथा में। हम फिर कहते हैं तुमसे हम संपत्ति नहीं तुम्हारी विपत्ति लेने के लिए आए। ये कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन बागेश्वर धाम की ये पीठ बोल सकती है, सिद्धाश्रम की ये पीठ बोल सकती है, इंटरनेशनल सिद्ध आश्रम की ये शक्ति पीठ की ये पीठ बोल सकती है, हम आपकी संपत्ति लेने नहीं आपकी विपत्ति लेने आए हैं। अगर विपत्ति दे सको तो वेलकम टू यू हनुमान कथा। अगर आप विपत्ति दे सको तो तुम्हें छूट है, नहीं तो यू कैन गो। हाँ, नहीं तो आप जाओ। और शायद ये कोई कथा व्यास बोल सके, लेकिन पागल, पागल का मतलब जो प्रभु के चरणों को पाकर के गल जाए। और हमें एक गीत याद आ रहा, कहो तो सुनाऊं, भजन कर। ये आप लोग भी पधार गए, जरा पटकी लाओ ना, पटकी डालने आओ ना, प्लीज कम हियर माय डियर। वाओ, हमें तो डर लग रहा, यहां के इंस्पेक्टर आए हैं बैमिली के, पूरे एरिया के इंस्पेक्टर। क्या बोले हैं? I cannot speak in English. वो भी पढ़ के बोल रहे हैं। हाँ, हमारी किताब बहुत खुली है, बहुत खुली। हम जो भी मुंह पे बोलते हैं, किसी को बुरा लगे तो हम भी बोलते हैं बैड मैन मी, हम बहुत बुरे आदमी हैं। तो क्या बोल, I cannot speak in English, but I understand your feelings. हम आपकी भावना से, बहुत सुंदर स्वागत, वेलकम टू यू हनुमान कथा। रुको, प्लीज वेट, प्लीज प्लीज प्लीज, पीछे लिखा, ओनली हनुमान इज ग्रेटेस्ट मैनेजमेंट गुरु ऑन दिस यूनिवर्स। ओनली, यस, पासवर्ड, यस पासवर्ड राम, R-A-M राम, रैम नहीं राम। इनका कहना है कि हमने ये वाईफाई बोला है तो पासवर्ड क्या है इसका? ओके, पासवर्ड राम, पासवर्ड है राम। लेकिन फिर कहेंगे पूरे विश्व के मैनेजमेंट गुरु सिर्फ हनुमान है, पूरे विश्व के मैनेजमेंट गुरु हनुमान है। ओनली हनुमान इज ग्रेटेस्ट मैनेजमेंट गुरु ऑन दिस यूनिवर्स। इसलिए सरेंडर हो जाओ, राम गाओ, इसलिए भजन कर मस्त जवानी में, उठाओ दोनों हाथ, भजन कर मस्त जवानी में। आप कुछ बोलो ना अंग्रेजी में, हम भी सीखेंगे। जरा माइक दो ना, हम भी सीखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। वी हैव ग्रेट प्रिविलेज विच इज द इंस्पेक्टर यू जंग, ही इज हियर एंड थैंक यू सो मच सर कमिंग फॉर योर टाइम एंड बिटवीन द कथा ही वॉन्ट टू से समथिंग फॉर यू फॉर योर सेफ्टी। थैंक यू। Perfect, thank you. First of all, thank you very much for inviting me to your place of worship. It's good to see all of you. It's good to see that such a strong community feeling between all of you. So, a bit about...
bit about my job and what I do and what I want to do together with you. So, I look after all the safer neighbor teams within Brent. That's local policing team. So part of my role, or the most important bit of my role, is to engage with all communities in Brent to listen to what matters most to you, because I'm here to serve you. And with that information, I go and I speak to all my different partners, the council, the housing associations, whoever needs be, and I focus on what's most important to you, the local community. And I try to, you know, achieve the best outcome to make a real difference in your lives, okay? So currently, my priorities are violence, robbery, burglary, ASB, so that's antisocial behavior, that can be long-term. I've got drugs linked into that as well. Obviously, within violence, there's stuff like youth violence or violence against women and girls, which is very, you know, key priority of mine, and I really want to understand what's driving some of these issues, and then to work with my partners, and most importantly, the public and the community, to try to make it safer for you guys. So thank you very much for allowing me to come speak to you guys, and very much looking forward in the future to engage more with our local communities, and we can work together to make Brent a safer place. Very much so, it's very interesting, thank you. क्या कहा है पासवर्ड राम 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 वाव भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देगा है भजन कर मस्त जवानी किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है? अब उठाओ दोनों हाथ आपने देखा बुढ़ापा जिनका आ गया उनको छोड़ के तो बढ़िया चार दिन और मौका है हनुमान कथा के झूम झूम के सुन लो पागलो भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा अरे वो अगर कथा सुनोगे तो क्या होगा सुनना कान से बहरे हो जाओगे जो लोग कहते हैं महाराज जी कथा तो बुढ़ापे की है ओल्ड मैन बूढ़े लोगों की है जो बहुत पुराने लोग हो गए हम कहेंगे आप अपने बच्चों को कथा सुनाओ बुढ़ापे का काम कोई ठिकाना है यहां लंदन में रहने वालों को अगर ब्रह्मा जी ने सर्टिफिकेट दिया हो कि नहीं आप 100 साल जियोगे तो नो प्रॉब्लम मत सुनो फिर वही अंग्रेजी यू कैन गो लेकिन अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो मैं निवेदन करूंगा आप अपने बच्चों को कथा सुनाओ वरना बुढ़ापे में क्या होगा सुनिए कान से बहरे हो जाओगे कथा तुम सुन नहीं पाओगे कथा तुम कथा तुम सुन नहीं पाओगे कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर
मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने। दोनों हाथ उठाकर ताली बजा दे हरि बोल। क्या होगा जरा सुनना, इसलिए अपने बच्चों को सुनवाओ गदा। आंख से अंधे हो जाओगे, 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 संत दर्शन न कर पाओगे, संत दर्शन न कर पाओगे, कथा के दर्शन न कर पाओगे, कथा के दर्शन न कर पाओगे, दरस कर दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कांपने लगेगा और तुम राम कहोगे तो आम निकलेगा, राम अब बुढ़ापे में आम निकलेगा, बोलो सीधा राम, इसलिए अभी मौका है जग जाओ, हम तुम्हें जगाने। और सुनो, कथा भगाती नहीं जगाती है, कथा सुलाती नहीं। बहुत से लोग हम यहां देखते हैं, बहुत कथाओं में देखते हैं, कथा में आती और सोने वालों पागलों, कथा सुलाती नहीं जगाती, क्या करती है? और जो कथा में सोए ना, कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या ऊंगे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। कथा के बीच में पाप इतने अकुलाते हैं कि तू सुनना मत, वरना हमें घर होम खाली करना पड़ेगा। वो क्या कर दे, ऐसी प्यारी नींद आती है, आहा, मानो जनमन का निदासा बैठा हो, ऐसी नींद आती है गजब की। और कथा में नींद आए समझना पाप बहुत ऊपर लेवल के हैं तुम्हारे, यू कहें तो आर यू ब्लैक मैन, काले आदमी हो आप, बहुत काले पाप आपने किए हैं। कथा के बीच में बहुत नींद आती है, नींद आए पाप बहुत ज्यादा, तो या तो कोई सोता है या फिर पीछे वाली की चोटी टांगता है। और आजकल तो ये जमाना गया, ओ ये चल गया, क्या मूवी आयल, इसको मोबाइल नहीं हम मूवी आयल कहते हैं, मूवी आयल आप लोग कहते हैं मोबाइल। मोबाइल से याद आया, आप लोग यहां क्यों आए, नौकरी करने आए ना, काम करने आए ना, बोलो ना, आए हैं ना। हमें नौकरी से याद आया तो कहो तो सुनाए। पहले लोग नौकरी करते थे, एक कमाता था नौ खाते थे, उसको नौकरी,
थोड़ा सा मॉडर्न जमाना हुआ, नौकरी गायब हुई, अब चाकरी चली। फिर एक कमाए चार खाए, चाकरी। और मॉडर्न जमाना हुआ, बहुत ज्यादा भारतीय यहां पर फिर लंदन में और प्रवेश होने लगे, तो नौकरी भी गई, चाकरी भी गई, फिर तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब केवल तन खा सके, केवल तन खा सके, तो तनख्वाह। और मॉडर्न जमाना हुआ, नौकरी गई, चाकरी गई, तनख्वाह भी गई, फिर चली वेतन। तन भी नहीं खा सकता, वेतन, उसका नाम हो गया वेतन। मॉडर्न जमाना हुआ, नौकरी गई, चाकरी गई, तनख्वाह गई, वेतन गई, अब सिर्फ फोन ले सकते हैं, इसलिए चल रही है सैलरी। सेल सेल री सेल माने सेल फोन, तो अब केवल सेल फोन भर ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते हैं। एक काम करो, सैलरी तो मिल ही रही है, हाँ जी या ना जी, एक कमाई और कर लो, भजन कर, आहा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसे, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसे, मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे, राम तुम गा नहीं पाओगे, राम तुम गा नहीं पाओगे, राम तुम गा नहीं पाओगे, राम तुम गा नहीं पाओगे। अभी कह लो सीताराम, सीताराओ राम, मतलब अगर राम निकले तो समझना कि अभी दम है, और राम का हम निकले तो बेदम समझना। राम तुम गा नहीं पाओगे, राम तुम गा नहीं पाओगे, भजन गा, भजन गा मस्त जवानी में बुढ़ापा किसे, दिक्कत होगी, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, और हम फिर कहेंगे कथा में फिर कुर्सी डलवाओ, अभी मौका है। इसलिए वो मैया हम देख रहे हैं बड़े गौर से, वो मेरी माँ, पता नहीं, खबर नहीं, हम तो पहली बार दर्शन कर रहे हैं, आप सभी के कर रहे हैं पहली बार, माँ तो गजब। वो कुर्सी पे नहीं बैठी, कोने में टिकी बैठी, अब भगवान जाने उनको बीमारी है या वास्तविकता में उनके अंदर ठाकुर जी की भक्ति है, ये हनुमान जी जाने, पर देखो ना, आप दर्शन करो ना, इसलिए हम अभी कहते हैं बुढ़ापे का काम नहीं। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम जा नहीं पाओगे, ओ तीरथ तुम जा नहीं पाओगे, तीरथ तुम जा नहीं पाओगे, तीरथ तुम जा नहीं पाओगे, तीरथ कर मंदिर चल, कथा में चल, कथा में चल, कथा में चल मस्त जवानी में बुढ़ापा किसे देखा है, भजन
चंद्र भगवान की जय। लंदन वालों की जय हो। अपने अपने मताई बाप की जय हो। मताई बाप जानते हो? माता पिता बुंदेलखंडी में उन्हें मताई बाप कहते हैं। जो मताई बाप राम का नाम नहीं जपता उनकी ठठरी भरे। ठठरी जानते हैं? जानते ना? हाँ जानना चाहिए। बिना ठठरी के काम नहीं हमारा चलता ना। हमारा डीजल है ठठरी। साधु हनुमान जी अतुलित वरदान है। आठ उपाधियां श्री हनुमान जी को हैं। अतुलित बलधाम है श्री हनुमान जी। हनुमान जी की कथा के बारे में कोई हमसे पूछे और अगर हम आपकी तरफ से बोलें तो हमें ना सम्मान प्रिय हो, न मान प्रिय हो, न स्वाभिमान प्रिय हो, न अभिमान प्रिय हो, हमें तो सिर्फ हनुमान प्रिय हो। जीवन ऐसा हो न सम्मान की आवश्यकता हो न देखो साधु हो बुरा मत मान। आप जिस घड़ी से जिस पल से हनुमान के हो जाओगे ना श्री हनुमान जी के, उसी पल से जीवन में अपने आप सम्मान जुड़ जाएगा। संसार के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु श्री हनुमान जी महाराज हैं और राम जी को पाना है। राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे एक बात यहां पागलों याद रखना। कौन सी? राम जी को पाना है तो हनुमान जी से सेटिंग बहुत जरूरी है। राम जी के दर्शन करना है तो हनुमान जी की कृपा बहुत जरूरी है। पूछिए क्यों? क्योंकि हनुमान जी जिनके पहरेदार हैं उनका नाम है राम जी। आहा, राम जी के पहरेदार श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी के बिना आपको राम जी के दरबार में प्रवेश मुश्किल है। और बहुत से लोग इस चौपाई का अर्थ गलत ले लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं होत न आज्ञा बिन पैसारी। कुछ कुतर्की लोग ऐसे भी होते हैं, खासकर हैरो लंदन इंग्लैंड में रहने वाले लोग। हाँ, यहां के लोग बड़े चतुर होते हैं। हमारा चंगीलाल हैरो में रहने वाला एक चंगीलाल इतना चतुर, चतुराई की सीमा पार रहा होगा तुम्हारी बीच में कहीं। खबर नहीं तुम्हारे घर पर डिनर में भी कभी गया हूं चंगीलाल, क्योंकि चतुराई भी तो तुमसे सीखी उसने। तुम भी चतुर तो वो भी चतुर, खा पी के हो गया चंगीलाल इतना चतुर। बादाम बेच रहा था, बादाम बादाम ले लो बादाम, बादाम ले लो बादाम। चंगीलाल बादाम बेच रहा था, टिल्लू गुरु। चंगीलाल के एक ससुर है जिनका नाम है टिल्लू गुरु। ये हमारे शिष्य हैं दोनों, चेला। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं शिष्य को? स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट। टिल्लू गुरु, चंगीलाल बादाम बेच रहा था, बादाम ले लो कोई बादाम। टिल्लू गुरु ने कहा कि बादाम खाने से होता क्या? बोले बुद्धि बढ़ती है, दिमाग बढ़ता है, माइंड बहुत शार्प होता है। टिल्लू गुरु ने कहा कि दिमाग तेज होता ये गारंटी है? बोले हाँ, देखना कला कितनी अच्छी जाता। रहा तुम्हारे बीच में ही तो रहा वो चंगीलाल। बोला अच्छा एक बात बताओ, एक किलो चावल में कितने दाने होते हैं? टिल्लू गुरु ने कहा पता नहीं। देखा तुम्हारी बुद्धि शून्य है, दिमाग तुम्हारा फेल है, बादाम खाओ। देखना चतुरता, कितना चतुर आदमी। लंदन में रहने वाला बैमिली में, बोला इधर बादाम खवाया 8-10। टिल्लू गुरु ने कहा अब बोले दिमाग तेज है तुम्हारा। बोले कहाँ है इसका कुछ पता? हाँ ठीक है उसका प्रमाण पत्र बताओ, एक दर्जन केले में कितने केले होते? बोले 12। देख अभी बादाम खाया है,
अभी कुछ देर पहले ही खाया। देख गिनती शुरू हो गई है। टिल्लू गुरु भी बोला सच कहें बादाम बहुत तेज हैं, लेस्टर्न से आए हैं बादाम। चतुर आदमी बहुत चतुर होता तो बहुत से लोग इस चौपाई का अर्थ निकालते क्या राम दुआरे तुम रघुवारे, लेकिन कुछ बुद्धिहीन होते न आज्ञा बिन पैसारे, बिना पैसों के आज्ञा नहीं होती। हनुमान जी भी पैसा लेते हैं क्या? हाँ, कौन सा पैसा? हनुमान जी भी धन लेते हैं क्या? हाँ, पाउंड वाला धन नहीं, रुपया वाला धन नहीं, राम नाम धन लेते हैं हनुमान जी। हनुमान जी भी संपत्ति लेते हैं, लेकिन संपत्ति पाउंड में नहीं, रुपीस में नहीं, हमारे हनुमान जी विपत्ति में संपत्ति लेते हैं। हम फिर निवेदन करें आपको, राम जी के द्वार में जाना है तो हनुमान जी से व्यवस्था बनानी पड़ेगी और हनुमान कथा सुननी पड़ेगी। जब तक आप हनुमान जी को नहीं समझोगे, राम जी को समझना बहुत मुश्किल है। अभी तो हनुमान कथा सुना रहे, कभी आप भारत आना या हनुमान जी ने हमें जीवित रखा तो हम तुम्हें राम कथा सुनाएंगे, लेकिन पूरी हनुमान कथा झेल लो पहले। आज तो फर्स्ट डे है, पांचवें दिन तक तुम गाली ना बकने लोगों। लेकिन श्री हनुमान जी राम जी के द्वार पर रहते हैं। राम जी के द्वार पर रहते हैं क्यों हैं? और एक 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 सूत्र है इस कथा का बोलने का हमारा। आप कहते घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, आप कहते हमारी जिंदगी में बहुत नेगेटिव ऊर्जा है, अगर आप कहते हमारा मन बहुत अशांत रहता है, चित्त में शांति नहीं महाराज जी, नकारात्मक ऊर्जा है, क्या करें? हनुमान जी को अपना रक्षक कैसे बनाएं? सिक्योरिटी, हनुमान जी की रक्षा में हम कैसे रहें, हनुमान जी के संरक्षण में कैसे रहें? एक काम करो, पूछो क्या, अपने घर पर राम जी का घर बना लो, अपने घर में राम जी को बैठा दो, अपने मकान को राम का दर बता दो, आपके द्वार पर हनुमान आ जाएंगे, आपकी रक्षा हनुमान करेंगे। राम दुआरे तुम गाओ 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 कुर्बान, ये उपाय है। राम दुआरे तुम रखवारे 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 वाले बन पाए हैं राम जी के अलावा? बोले हाँ, राम जी के अलावा राम के द्वार पर रहे, ऐसा कोई प्रमाण बताओ, उदाहरण बताओ। आहा, लंका का एक उदाहरण है विभीषण। विभीषण का नाम तो सुना होगा, रामायुध। जब विभीषण के भवन की चर्चा आई तो दोहा लिखा गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में, रामायुध अंकित गृह शोभावरणी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहे देख हरस कपीला, देख हरस कपीला। जब हनुमान जी लंका गए ना तो पूरी लंका में हनुमान जी घर घर गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अग्नि तेजोदा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। राम हनुमान जी सब भवन में गए, अनेक भवन में गए, हनुमान जी को कहीं अच्छा नहीं लगा। रावण के भवन में गए, हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी ठहरे कहां लंका में? थोड़ी देर रामायुध दरवाजे पर ठहरे। कौन से दरवाजे पर? जहां राम के, रामायुध माने राम के आयुध,
आयुध का मतलब चिन्ह, धनुष बाण बने, राम जी का स्वस्ति तिलक बना, तुलसी का वृक्ष रखा। मैं निवेदन करूं भारतीयों पागलों, तुम लंदन में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, चाहे जहां बस जाना, चांद पर भी बस जाना, ईश्वर करे तुम्हें इतनी तरक्की मिले कि तुम हर दुनिया के कोनों में तुम्हारा राज हो, पर कभी अपने राम को मत छोड़ना। पर कभी तुम अपना तिलक मत छोड़ना, कथा मत छोड़ना, गुरुओं को मत छोड़ना, ऐसे महापुरुषों का साथ देते रहना जो खुद तो कथा सुनते हैं। पूज्य राजराजेश्वर जी, आपको भी सुनाने के लिए कोई पागल ले आते हैं। मैं निवेदन करूं, संपत्ति तो बहुत कमा लेते हैं, किन्होंने नहीं कमाई, तुमने संपत्ति में क्या क्या नहीं खोया। बुरा ना माने हमसे, एक एक एक, एक अभी एक रात को कह रहे थे महाराज जी, हाँ लोगों ने बहुत कुछ पाया। हमने कहा पाया नहीं, खोया। तुम जरूर कहते पाया, हमें लगता बहुत कुछ खोया। तन भी खोया, बदन भी खोया। क्या नहीं खोया? भाई भी खोए, वहां वो वहां रहे। खोए का मतलब ये नहीं, खोए का मतलब थोड़ा दूरी बनाना, दिल से दूर नहीं हो। और मैं निवेदन करूं, उसने कुछ नहीं खोया जिसने यहां आकर के भी किसी की याद नहीं छोड़ी, जिसने यहां बस करके भी राम कथा या हनुमान कथा नहीं छोड़ी, जिसने यहां रह करके भी हनुमान चालीसा नहीं छोड़ा, जिसने यहां रह करके सुंदर कांड नहीं छोड़ा, जिसने यहां रह करके माँ बाप का धन्यवाद या माँ बाप की याद नहीं छोड़ी, जिसने यहां रह करके गुरुओं का धन्यवाद और गुरुओं का सम्मान नहीं छोड़ा, उसने कुछ नहीं खोया, बहुत कुछ पाया। और जिसने इसके ठीक विपरीत काम किया ना, उसने बहुत कुछ खोया। हमें लगता है वो आदमी 10 पाउंड में बिक गया, हमें लगता है वो आदमी बेफिजूली का जीवन गवा गया। हमें निवेदन करूं, तुम्हारी जिंदगी 2 कौड़ी की है जब तक तुम्हारी जिंदगी में राम नहीं है। 2 कौड़ी की, तुम करोड़ों की संपत्ति बना लो, करोड़ों का नाम कमा लो, यहां की महारानी के साथ बैठकर तुम भले ही डिनर कर लो, पर जब तक सच्ची मोहब्बत हनुमान से नहीं है, राम से नहीं, तुम्हारी जिंदगी 2 कौड़ी की है, कोई काम की नहीं साहब, कोई काम की नहीं। इनमें और फिर तुम में क्या अंतर है? राक्षसों में और दानव में, भक्तों में क्या अंतर था? राक्षस राम को बचते नहीं थे, भक्त राम को बचते हैं। भजो, क्या बोल रहे हैं आपको साधु, तुम सब समझदार हो, हम तो बुद्धिहीन आदमी है, महामूर्ख है, महानालायक है। हम तो यही कहेंगे जितना इसमें आनंद है ना, कभी कभी लगने लगता है हमें बीमारी होगी कथा बोलने की, हमें बीमारी होगी राम कहने की। लेकिन कभी बार हमारी, कई बार जब मन ही मन में ऐसी तो बात होती नहीं, कभी कभी मन में बात होती है तो हम एक ही बात कहते हैं, ईश्वर भगवान करे ये बीमारी बढ़ती जाए। तुम्हारी याद तो बनी रहेगी, तुमसे प्रीति तो बनी रहेगी। सिया राम में सब जग जाने की बात तो करते हैं, सब में राम देखते हैं, पर सब में राम को वंदन नहीं कर पाते, इतने द्वेष भर जाते हैं। इतने अब लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सिया राम में सब जग जाने, पर क्या तुम सब में राम देखते हो? नहीं। और राम अगर देखते हो तो फिर राम में दोष क्यों देखते हैं? इसका मतलब हम तुम दोगला है, हमारा तुम्हारा मन द्वंद्व में फंसा है। एक काम करो, अब मौका मिला है, जगो, जागो, भागो मत। हनुमान कथा से भागना नहीं, जागना। 5 दिन बाद हम तो चल देंगे, पर तुम मत जाना, तुम हनुमान कथा में बैठ जाना हमेशा के लिए। फिर दोबारा धीरेन्द्र कृष्ण बागेश्वर सरकार आवे ना आवे, दोबारा पूज्य राजराजेश्वर वाले गुरु जी बुलावे, किसी को ना बुलावे, तुम्हारे जीवन में हनुमान तुम्हारा साथ ना छोड़े। ऐसे जागो। आप कहोगे महाराज जी राम का मिलना मुश्किल है, ऐसी भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है, ये सब बातों में ठीक है, कथाओं में ठीक है, कर पाना बहुत मुश्किल। हम कहते कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी कठिन नहीं, ऐसे समझो। लंदन में आने वाला व्यक्ति पहली बार जब नए शहर में जाता है, उसे वहां की लोकेशन के बारे में पता नहीं होता है, जगह के बारे में पता नहीं होता है। फर्स्ट टाइम हमें पता नहीं बेमिली क्या है, लेस्टर्न क्या है,
दो ही शहर के नाम रट पाए हैं ज्यादा, हैरो बस, लेकिन पता नहीं मंगीलाल कहां रहता, चंगीलाल कहां रहता, टिल्लू गुरु कहां रहते, पता नहीं है, नहीं है तो नहीं है। एक हम आए, एक व्यक्ति और आता है लंदन पीने वाला, यहां पानी महंगा है पीना सस्ता है, समझ जाओ। चेस है ना, मदिरा नशा सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां बहुत पीने वाले भी बैठे जो रात को टुन्न भी हो जाते, सुबह उठ के फिर मुंह धोके जय हनुमान ज्ञान गुंजागर जय कपीश। अरे महाराज 20 साल हो गए हनुमान जी ना देखे, ठठरी के भरे। रात को और सुबह से राम 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 राम। अब हनुमान जी क्या कृपा करेंगे, खाक नया नया व्यक्ति जब शहर में आता है तो उसे कोई भी स्थान पता नहीं होता है, पर वो विदिन 30 मिनट 40 मिनट में पता कर लेता है कि बिकती कहां है, क्योंकि उसकी खोज ही है क्या, पौआ। उसे बुंदेली भाषा में कहते पौआ, आपकी यहां की भाषा में क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नहीं 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 बाटर नहीं, क्वार्टर, क्वार्टर तो कमरे को भी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, बियर। आप हमको घुमा रहे हो। पीने वाला व्यक्ति खोज लेता है, ढूंढ लेता है कहां व्यक्ति, विद इन 40-30 मिनट के अंदर, क्यों, क्योंकि उसकी खोज, उसका लक्ष्य, उसका एम, उसका उद्देश्य सिर्फ पीना है, पीना है। अब वो किसी भी कोने में व्यक्ति हो, कितने भी बड़े शहर में हो, वो खोज लेता है। मैं पागलो तुमसे निवेदन करूंगा, जब पीने वाला व्यक्ति 14 मिनट्स में जब पीने का स्थान ढूंढ सकता है, तो क्या तुम जिंदगी घर में हनुमान नहीं ढूंढ सकते हो। जब उस पीने वाले को पीने का घर बार जिसे कहते हैं वो मिल सकता है, तो तुम अपनी जिंदगी राम में लगाओ तो तुम्हें क्या हनुमान नहीं मिल सकते हैं, क्या तुम्हें राम नहीं मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण सिर्फ उद्देश्य है जीवन में। और हनुमान जी ने पूरी लंका में सब कुछ खोजा खोजा, पर मंदिर मंदिर गए, पर खोज उनकी राम थी। और हनुमान जी कहीं नहीं रुके जब तक राम नहीं मिल गए। और हनुमान जी लंका में रुके तो रामायुधे अंकित गृह स्वभाव न जा, नव तुलसी का वृंद तहे देख हर से कपीरा, राम राम ते ही सो मेलन कीना, राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हर से कपि साजन जीना, हृदय हर से कपि साजन जीना, हृदय हर से कपि सजन जीना, हर से कपि सजन जीना, राम राम रुके जिस घर के बाहर राम के आयुध बने थे, जहां नव तुलसी का वृंदत देख हरस कपीराय, और मिले किससे, पहले रावण से नहीं मिले, किससे मिले, विभीषण से मिले। विभीषण से क्यों मिले, इनके मुख पर राम, इनके मुख पर राम है। हनुमान जी उससे मिलते हैं जो काम का नहीं, रावण काम का भक्त है, विभीषण राम के भक्त है। तो रावण काम के भक्त से बाद में मिले, राम के भक्त से श्री हनुमान जी। मानो ये कथा तुम्हें सिखा रही हो, जिस दिन तुम राम के हो जाओगे तुम्हें हनुमान जी को खोजना नहीं पड़ेगा। हनुमान जी लंका में जब विभीषण खोज सकते हैं, तो इंग्लैंड में रहने वाले राम भक्त को भी हनुमान जी खोज सकते हैं। बोलो ना,
लंका। और हमारे हनुमान जी की तो अब हमें तो वीजा पासपोर्ट की जरूरत, हनुमान जी तो बिना वीजा के आ जाते हैं। अब लंका में पासपोर्ट किसने बनाया होगा? तुम लोगों में से कोई अगर ऑफिसर रहा हो तो भगवान जाने। हनुमान जी का कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, विदाउट वीजा, विदाउट वीजा हनुमान जी किसी भी देश में। और हमें लगता है राम कथा के माध्यम से, हनुमान कथा के माध्यम से आज लंदन के इस बेम्बली शहर में भी हनुमान जी बिना वीजा के बैठ गए हैं। और यहां वो कथा सुन रहे हैं, हमें लगता है जैसे तुम मुस्कुरा रहे वो भी हंस रहे होंगे। राम के दूत श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज कहां रहते हैं, कहां जाते हैं? जहां राम जी का, जहां राम के भक्त का निवास होता, विभीषण के घर हनुमान जी गए। आप अपने घर पर भी राम जी को बुलाना चाहते हो तो रामायुध अंकित गृह। अब विषय ये उठता है, क्या विभीषण राम राम लिखे था? हाँ, विभीषण राम राम लिखे तो क्या रावण ने नहीं रोका? रोका। मानो हम तुम्हें ये समझाना चाहते हो, तुम भजन करोगे लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारे घर के लोग विरोध करेंगे, कहां बाबाओं के चक्कर में पड़े हो? अभी बोली तो रहे थे महाराज जी, किसी ने महाराज जी को बोला होगा महाराज ने क्यों आते हैं लंदन? पैसा कमाने, यही बोल रहे हैं। ये बोलेंगे लोग, बोलने दो। अगर कोई हमसे पूछे तो हम तो कहेंगे सेम टू यू। कोई हमसे बोले हमें दिक्कत नहीं है, हम तो बोलने में बहुत माहिर आदमी है, तो उसको कह देंगे सेम टू यू। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, लोग आपका विरोध करेंगे, घर वाले लोग हंसेंगे, माला लेकर के पागल बने बैठे हो, क्या तिलक लगाए फिर रहे? ये विदेश है, यहां पियो खाओ मौज उठाओ, काम करो, वर्क वर्क पे ध्यान दो। बच्चे भी ये तुम्हारे कह सकते हैं, कोई भगवान भगवान नहीं होते, सब कपोल कल्पना है। बहुत से भारतीय अपने अस्तित्व को राम को छोड़कर के यहां निवास, बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर पर बैठ करके टीवी संस्कार टीवी पर कथा सुन रहे हैं, उन्हें फिर भी विश्वास नहीं, राम पर भी नहीं। कई बार तो लोग चमत्कार के बस में आते हैं, राम के बस में नहीं आते। हम आपसे निवेदन करें पागलों, करोड़ों की बात यह है, लोग कहेंगे और कहें भी क्यों ना, कहने दो ना, लोग कहेंगे क्या विभीषण का विरोध नहीं हुआ लंका में? कितना विरोध नहीं सहा होगा विभीषण ने, जब वो तुलसी रखे होगा, जब वो राम लिखे होगा दरवाजे पर, क्या क्या नहीं सहा होगा रावण जैसा आतताई। और हमने सुना, एक जगह हमने कथा पढ़ी कि एक बार रावण विभीषण के घर पर आया। हाँ, रावण घर पर आया तो विभीषण जी एक तरफ लिखे थे रा, एक तरफ मां। तुम कथा सुनोगे, भगवान के भक्त बनोगे, बागेश्वर बालाजी के भक्त बनोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि संकट नहीं आएंगे, संकट डबल आएंगे, लेकिन उनसे लड़ने की क्षमता चार गुनी आ जाएगी। तुम गुरु के हो जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, पैर का दर्द ठीक भी हो जाएगा तो हाथ का दर्द शुरू हो जाएगा, लेकिन हाथ के दर्द को सहने की क्षमता भी गुरु के पास ही आ जाएगी। विभीषण राम के भक्त थे, इसका मतलब ये नहीं कि विरोध नहीं हुआ, हुआ, बहुत विरोध हुआ, बहुत। रावण आया, पूछा रावण ने, हे विभीषण भाई, तू मेरा भाई है, ये क्या मचा रखा है? देख, सब राम के विरोधी है, राम को गाली बकते हैं, हम स्वयं राम की पत्नी को ले आए, तू एक तरफ रा, एक तरफ मां, ये राम राम लिखे हैं, शर्म नहीं आती? मार भी नहीं सकता हूं वरना मैं बध कर देता। विभीषण बहुत चतुर, भक्ति में यही तो आता है, भक्ति में मुस्कुराना आता है, जो भक्त होता ना वो मुस्कुराना सीख जाता है, भक्ति में ये चतुरता। विभीषण जी मुस्कुरा के बोले, भाई तुम पागल हो, लो तुम पागल। रावण बोला, हमें पागल कह रहे? जिसके 10 सिर हैं, तुम्हारे तो एक ही है, इधर तो 10-10 बुद्धियां हैं, तुम हमें पागल कह रहे हो? पता है विभीषण क्या? विभीषण ने कहा, भैया ये राम नहीं लिखा, तुम्हारा नाम लिखा है, ले सबको दिख रहा राम लिखा, तुम हमारा नाम, हाँ ये आपका नाम है, रामा ने रावण, मामा ने मंदोदरी। तुम्हें अगर कोई राम बता रहा हो तो तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम अपना मेंटल हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाओ, हम तो आपके भक्त हैं, ले
हमारे कैसे भक्त रावण पूरा लिखने में दीवार खराब हो जाती ना, लंदन का रहा होगा ज्ञान विभीषण का, शायद तुम्हारी साथ स्कूल में पढ़ा होगा, इसलिए विभीषण क्या बोला, रामा ने रावण मामा ने मधु तेरी, रावण चला गया। बोले वाह गुड लक। और हद तो ये, रावण ने घोषणा कर दी, सुनो सब अपने अपने दरवाजे पर एक तरफ रा एक तरफ मां लिखाएंगे, एक तरफ रा एक तरफ। पूछा किसी ने क्यों, ये तुम्हारे दुश्मन का ना, मेरे दुश्मन, मेरा नाम है मेरी धर्म पत्नी के साथ, लिखो सब दिस इज माई ऑर्डर। इंग्लिश भी बहुत हमारी ऊपर लेवल की है, लिखो सब राम, और लिखा भी लोगों ने, और यहां हनुमान जी खुश भी हुए, हमने एक जगह पढ़ा है हनुमान जी प्रसन्न हुए, बोले क्यों, बोले यही तो भक्त की खुशबू है, खुद तो भक्ति करता है दूसरों को भी भक्त बना देता है, यही तो भक्त की खूबसूरती है। और हम यही निवेदन करना चाहेंगे हनुमंत कथा में, तुम तो पागल बागेश्वर बालाजी के या सन्यासी बाबा के पागल हो ही गए हो, मौका मिले तो अपने बच्चों को भी राम का बना देना, पूछो क्या फायदा होगा, फायदा यह होगा जब भी हनुमान जी तुम्हारे दिल की नगरी में आएंगे, तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे, तुम्हारे घर पर आएंगे। वो बहुत प्यारा वो पद है ना, भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। आप लोग भी भज लो, अब जाग गए हो तो भागना मत, जाग गए हो तो जागे रहना, आंखें बंद हो पर मन की आंखें हमेशा दर्शन करें, जिभा बंद हो पर मन की जीभ हमेशा राम राम रटे, कान बहरे हो जाएं पर मन के कान हमेशा गोविंद की राम की कथा सुने, भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी सुर सरी, जिन चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा जटाशंकरी नाम पढ़ो है, जटाशंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारण आए, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम करके राम जी के दर्शन करो मन ही मन, हाथ में धनुष लिए हैं, बगल में जानकी जी विराजमान, आहा नील सरोवर नील मन नील नील धर श्याम, नीला स्वरूप है जिनका, और चरणों में विराजमान जिनकी कथा चल रही, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी, आहा मुस्कुरा रहे बार बार हनुमान जी राम जी की तरफ देख रहे, फिर चरण दबा रहे, वो राम जी मुस्कुरा रहे, राम जी के लाल लाल होंठ,
घुंघराले बाल, काली काली आंखें, बड़ी गहरी, कंठ एकदम भरा हुआ है, गला, कंठ बोले तो गला, गला एकदम भरा, शंख की भांति, मक्खन के जैसा नीला स्वरूप, पीतांबर धारण किए हुए, राज सिंहासन पर अयोध्या के राजा बनकर के विराजमान, छत्र लगा है, बगल में गौर वर्ण में, गोरे वर्ण में, कनक वर्ण में श्री जानकी जी विराजमान है, जानकी जी कहें तो सीता मैया, और चरण आहा लाल चरण, नीचे से तलवा है लाल तलवे, सफेद नाखून है राम जी के चरणों को, और नीला ऊपर का अंग है भगवान का, तीन रंग एक साथ मिल रहे हैं, लाल श्वेत और श्याम अंग, आहा ये नीलांग श्वेतांग लाल अंग, ये तीनों रंग इतने अद्भुत आपस में टकरा रहे हैं मानो इंद्रधनुष बन रहा हो, और आप मन ही मन बैठे बैठे इस बैमली के सोहल में मन ही मन मंथन करो कि हम राम जी के चरण अपने हाथ में पकड़े हैं और हम भी हनुमान जी के साथ धीरे 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 राम जी के चरण चाप रहे हैं, दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इतने मुलायम राघव जी के कमल हैं जैसे एकदम प्यारा सा गुलाब का फूल, और गाओ बजे मन राम चरण सुख दाई, बजे मन राम चरण सुख दाई, जिने चरण की चरण पादुका, जिने चरण की चरण पादुका, भरत रहे जिन्हें चरण की चरण पादुका, भरत रहो लिब लागे, आ सोई चरण केवट नोई जीनो, सोई चरण केवट धोयलीनो, तब ही नाम चढ़ाए, तब ही नाम चढ़ाए, भज मन करने की इच्छा है तो अपने मन मंदिर के राजा राम बनाओ, अपने घर के मालिक किसको बनाओ, राम, दरवाजे पर मिलेंगे हनुमान, उनसे आज्ञा लो फिर प्रवेश हो जाओ, जिंदगी की खूबसूरती भक्ति है, आपका तन सुंदर हो खबर नहीं, तन सुंदर ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, बतन भी सुंदर ना हो कोई दिक्कत, मन सुंदर हो, मन इतना सुंदर हो निर्मल मन जन सो मुही, बोलो ना पावा मोही कपट छल छिद्र ना भाव, मन इतना सुंदर हो कोई कपट ना, बच्चा हो हृदय एकदम बच्चा हो, माँ पिता के सामने कोई बालक जब बहुत बड़ा बनने लगता है तो वो घाटा खा जाता है, गुरु के सामने कोई शिष्य बहुत लंबी लंबी वेद वेदज्ञ की बातें बोलने लगता है वो घाटा खा जाता है, भगवान के सामने कोई भक्त पटर 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 बोलने लगे वो एकदम दे दमादम बोलने लगे वो घाटा खा जाता है, ज्ञानी नामाग्रगण्यम होते हुए भी श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी राम जी के सामने
मौन बैठे हैं। और आप भी अपने जीवन में उन राम जी की छत्र छाया पाना चाहते हैं तो हनुमंत कथा राम कथा जीवन की व्रथा में मौन रहो। जिस दिन मौन आ जाएगा, नाम जब शुरू हो जाएगा, उस दिन हनुमान जी बाहें पकड़ करके राम जी के चरणों में रख देंगे। साधुओं, आज तो प्रथम दिवस है, कल के लिए हम आपको निवेदन करें कल लाल रंग के कपड़े पहनकर आना है। कैसे? क्योंकि कल अवतार महोत्सव मनाएंगे झूम के। बढ़िया, यहां पर थोड़ा सा आपकी भाषा में बलून लगा लेना साहब, महाराज जी को बोलेंगे हम, पूछ महाराज जी वो लगाए गुब्बारे, और कुछ तो नहीं बोलते हैं। चलेगा। तो कल लाल रंग के वस्त्र पहन करके कोशिश कीजिएगा। कल कौन कौन नहीं आएगा, हाथ उठाओ। अच्छा, आएगा कौन कौन? हाँ, कल सब पहुंचो। तो कल हनुमंत कथा में भगवान का अवतार महोत्सव, और कल शायद दरबार, कल है दरबार, परसों यहां पर दो दिन का एक एक डेढ़ सिद्धाश्रम में 3 तारीख और 4 तारीख को 2 दिन का बागेश्वर बालाजी का वही विपत्ति निवारक दरबार लगेगा। जो संपत्ति के लिए नहीं, ये सूत्र हमारे दिमाग में भरा है। अगर महाराज जो आपसे कह रहा था वो हमें मिल जाए, हम उसकी ठठरी बार दें, उसे मार चमीटा लाल कर दें हम। लेकिन टेंशन ये है कि अभी हमें 2 कथा करनी है, वरना दिक्कत है नहीं, अभी खिसकना पड़ेगा। टाइम 10 बजे से 12 बजे तक। एड्रेस समझ जाओ हमें। जहां ले चलोगे, हमारा तो ये हाल है, न कोई उलहना है ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तुम्हारी मर्जी। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, बेमली ले चलोगे या लेस्टन वहीं मैं। हमारी कोई क्षमता नहीं है, हमें तो जहां महाराज जी ले जाते हैं तो हम, लेकिन सिद्धाश्रम में है, हैरू में ही है ना महाराज, हैरू में सिद्धार्थ इंटरनेशनल सिद्धार्थ आश्रम है, वहां पर दरबार 2 दिन का लगेगा। संपत्ति के लिए नहीं, विपत्ति के लिए। और विपत्ति कैसे कटेगी? हनुमान चालीसा, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल से कटेगा। हाँ, वैसे बागेश्वर धाम के बारे में कितने लोग जानते हैं? बहुत लोग जानते हैं। आप तो हो भी आए, आप वही है ना जो धाम पर गए थे। हाँ, हमें याद आ रही है कि आपको हम देखे लगा तो देखे। हाँ, यस यस यस, मंगला आरती में। हाँ, ओ आप तो धाम गए भी हैं। ओ वैसे भी बागेश्वर बालाजी का दरबार बताना तो हनुमान जी की महिमा है। भारत में एक ऐसा दरबार है, सनातनियों के लिए गर्व का ऐसा दरबार है, जहां अर्जी निःशुल्क, जहां पर रुकना निःशुल्क, जहां पर दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, 3 साल से एवरी डे कम से कम हर महीने 5 लाख लोगों का भंडारा निःशुल्क है। और हिंदुओं के लिए गर्व का विषय, हमने इसलिए कहा अर्जी दरबार रुकना भंडारा तो निःशुल्क है ही है। भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है, जहां की आने वाली डोनेशन, दान पेटी की राशि से गरीब बेटियों का विवाह हर वर्ष करवाया जाता है महाशिवरात्रि को।
आप तो गए हैं वहां, आपने तो दर्शन भी किए हैं, ऐसा दरबार बड़े बड़े बुद्धिमान है, आप उस पर नेट पे डालना, उस पर यूट्यूब पर उस पर डालना बागेश्वर धाम के चमत्कार, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े न्यूज चैनल। अच्छा टीवी में देखता हूँ, गलती कर दी आपने देखकर। लेकिन हम भी आ गए, हम भी आपके यहाँ आ गए। देखो जैसे भी हैं, चार दिन और बचे हैं। अरे नहीं, बालाजी के, वाह बहुत अच्छा। हाँ जी, भगवान की बड़ी दया। फिर वही पुरानी बात, आप परसों से उसमें, लेकिन अभी रोज कथा सुनिए। कल से हमारा कोशिश है कि हम 3 घंटे कथा करेंगे, लेकिन 10 मिनट क्वेश्चन आंसर करते हैं, कथा से संबंधित, पर्सनली नो, पर्सनली दरबार में, पर्सनली क्वेश्चन दरबार में कीजिए, और बाकी कथा से संबंधित, भगवत जिज्ञासा से संबंधित, कथा कैसे सुने, मंत्र विधि क्या है, या जो भी आपके मन में हो कोई भी कथा से संबंधित वो, तो कल से। लेकिन कल भगवान का अवतार महोत्सव करेंगे, श्री हनुमान जी महाराज का। इसके आगे जो भी चरित्र, हर कथा के पीछे एक ना एक रहस्य है। हमने आपको आज जब वो यहाँ के अधिकारी आए थे, जब महाराज जी लाए थे, हमने कहा था ना, संसार के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु श्री हनुमान जी हैं। मैनेजमेंट सीखना है, लाइफ को मैनेज कैसे करें, वाइफ को मैनेज कैसे करें, हनुमान जी की कथा सुनो। अब आप कहोगे कि यह भी हनुमान कथा में लिखा है क्या? लिखा तो नहीं है, पर वो भी एक मैनेज करना है आपको, हमारी तो है नहीं, आपको बता सकते हैं। तो जिंदगी को मैनेज कैसे करें संसार में, मैनेज का मतलब काम कैसे करें और राम का भजन कैसे करें, वर्क कैसे करें, नौकरी कैसे करें, भगवान का भजन कैसे करें, ये हनुमान जी बताते हैं। क्या करते हैं हनुमान जी? संजीवनी बूटी भी लाते हैं और राम राम भी गाते हैं। संजीवनी बूटी काम है, राम का नाम भगवान का भजन है। तो वर्क में आप भक्ति कैसे कर सकते हैं, ये हनुमान जी से सीखिए। गुरु सेवा कैसी हो, स्वामी सेवा कैसी हो, ये हनुमान जी से सीखिए। और हनुमान जी महाराज विष्णु को मिलाने का काम करते हैं, राम जी की, भगवान राम जी की जानकी जी बिछड़ गई थी, मिलाया किसने? हनुमान जी ने, पता बताया ना। तो हनुमान जी महाराज बिछड़ों को मिलाने का काम करते हैं। हमारी तो बुद्धि कहती हम हैं जीवात्मा, राम जी हैं परमात्मा, उसके बीच का जो गुरु है वो सदगुरु है हनुमान जी। हनुमान कथा करेगी क्या? आपका हाथ पकड़ करके राम जी के चरणों में रख देगी। बोलो सीताराम। तो कल से तिलक लगा करके आना, तिलक लगा के आना मस्तक पर, लाल कपड़े और खूब बड़े आनंद के साथ आना, जितना भी बनेगा झूम के हम राम जी की कथा, हनुमान जी की कथा। हम तो ज्ञानी है नहीं, महामूर्ख हैं, और आई नॉट स्पीक इन इंग्लिश, इतना सीख लिया, हम इंग्लिश बोल नहीं सकते पर हिंदी छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ आप सब समझदार हैं, इतने अंग्रेज भी नहीं हो आप सब सुन रहे हो, बड़े समझ, आनंद भी आ रहा है आपको, ना भी आ रहा हो तो हमारा क्या बिगाड़ोगे, क्या कर लें हम, कुछ भी नहीं। हम तो जो हमें गुरु प्रसाद है हम आपको बांट रहे हैं, बस इतना है, हम बांट रहे हैं। तुम्हारी क्षमता हो तो इसको उठा लो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं, ले लो रे कोई, राम का प्यारा शोर मचाऊं। हम तो शोर मचाने आए, तुम बटोर सको तो बटोरो। फिर वही कहेंगे, आप हनुमान जी के कोई बिछड़े यार हैं, हम चाहते हैं तुम हनुमान जी के जिंदगी भर के लिए हो जाओ, तुम्हारा पूरा परिवार हनुमान जी का हो जाए, राम जी का हो जाए। बस इसी भाव से कल फिर से इस चर्चा करेंगे, आज प्रथम दिवस चर्चा सत्र, कल अपने सा परिवार सहित जिंदगी भर काम रहना है, 4-5 दिन ना भी काम करोगे तो चलेगा, भूखो नहीं मरोगे, और भूखो इसलिए भी नहीं मरोगे कि हम यहां रोटी भी खवाएंगे, भोजन भी भजन भी। भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है, भजन करने से आत्मा पुष्ट होती है। तो यहां दोनों व्यवस्था है, कथा हो गई, भजन। और महाराज जी ने लगाया, महाराज जी बाहर है बाहर, खा के जाना, भूखे मत जाना, वरना घर पे कौन बनाएगा?
तुम तो यही कहोगे ना, तुम्हारी कथा में तो हम आ गए, चार घंटे हमारे गए, फिर ये कौन देगा? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ खाके जाना, सौगंध है तुम्हें, खाके जाना, तो भजन भी करो और भोजन भी पाओ। हाँ, तो कल से बढ़िया आनंद के साथ भोजन और भजन दोनों पाइए। कल हनुमान कथा हो सके तो अपनी माला झोली लेकर के भी आया कीजिए, बीच बीच में खिसकाते रहना, मैया भी लाई, मन करे तो बीच बीच में खिसका, और कभी कभी भजन हुआ करे थोड़ा झूम भी लिया करो, घुटना घुटना ठीक हो जाएंगे। सीट पर बैठे रहने से थोड़ा घुटना दिक्कत कर देना, भजन भजन हुआ करो, बड़े आनंद के साथ झूम लिया करो। और जो राम का नहीं वो किसी काम का, जो राम की नहीं, जो राम जी के नहीं उनकी ठठरी भरे, और जो राम के हैं और वो मौज में रहे, और हम तो प्रभु से कहें जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हाँ, उठाओ दोनों हाथ, सरकारी में लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। रख लेना सरकार तेरी दरबारी में, ओ जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, रख लेना श्री राम तेरी दरबारी में, दरबारी में श्री राम तेरी दरबार। दोनों हाथ उठा करके मुझको प्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तो जहां से प्यारा है, दिलवर तेरे तुम सन कोई लगता मुझको प्यारा है, दिलवर मेरे तुम सन कोई लगता मुझको प्यारा है। हाँ, दिलवर मेरे तुम सन कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया हो, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, रख लेना सरकार तेरी दरबारी में, ओ जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, रख लेना सरकार तेरी दरबारी में, तेरी दरबारी में, तेरी दरबारी में, तेरी दरबारी में, तेरी दरबारी। तारा हाथ उठा कर
जी की, बागेश्वर धाम की, गौ माता की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, आज की कथा सुनने वाले पागलों की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, सबकी जलाओ आरती की जय हनुमान लला की, तुलसी नयन रघुनाथ लला की, जाके वन से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पोत महा बलि लाए, संतन के प्रभु दासाए, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल We'll be right back.
परम पद पावे बसी कोठ परम पद पावे तिलक कवि धुन से रघुराए कवि धुन से रघुराए तुलसीदास प्रभु की आरती की दे किदंताये विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदंति प्रचोदयात्। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हो बालाजी सरकार की जय। बागी सुधाम सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी से आग्रह निवेदन है, सभी भक्तजनों से, कोई भी पूज्य महाराज श्री को स्पर्श न करें, कोई भी, आप सभी जो भी प्रणाम करना चाहते हैं दूर से हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके आप सभी प्रणाम कर सकते हैं, कोई भी पूज्य श्री को स्पर्श ना करें। जय सियाराम। Hey, 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 hey,